अगेन कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन हाउ? देखो मैंने आपको बताया था ना, कॉर्पोरेट लेवल जो स्ट्रेटजी होती है वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचती है, इसीलिए ये वो स्ट्रेटजी है जिसके हिलने से स्ट्रक्चर हिल जाएगा। आओ जरा सोच के चलते हैं। मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, आज ना अपनी ब्रांचेस खोलते हैं, आज अपनी ब्रांचेस खोलते हैं। मैंने कहा मैं एक्सपैंड करूंगी, एक्सपेंशन। तो बताओ वो ब्रांचेस को खोल लेने से क्या मैं अपने स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करूंगी? बिल्कुल करना पड़ेगा। सो क्या स्ट्रक्चर चेंज होता है? यस इट चेंजेस। व्हाट मेड इट टू चेंज? द चेंज इन द कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी। एम आई क्लियर? बात समझ में आई? तो एक पर्सन था, उसका नाम क्या था? पढ़ लिया ना, चांदलर। हाँ गुड, मैं तो चांद बोलती हूँ उसको, सब प्यार सा नाम है उसका, चांदलर। एक पर्सन था, उसका नाम क्या था? चांदलर। उसने ये थ्योरी को क्या किया? प्रूफ किया। क्या प्रूफ किया? कि आपका स्ट्रक्चर चेंज होता है, और आपका स्ट्रक्चर किसकी वजह से चेंज होता है? स्ट्रैटेजी। और वो भी कोई एरी गेरी स्ट्रैटेजी नहीं, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। वो आपको क्या बोलेगा? वो आपको बोलेगा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चेंजेस बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजी, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी, बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी और फंक्शन लेवल स्ट्रैटेजी और ऑल ऑफ द अबव। 99.99% स्टूडेंट्स ऑल ऑफ द अबव लिख के आएंगे, बट आप जानते हैं कि एकमात्र, समझ रहे हो, अगर मैं कॉस्ट लीडरशिप से डिफरेंशिएशन लेके आ रही हूं तो भैया क्या स्ट्रक्चर में क्या चेंज करूं मैं? समझ में आई बात? बट जैसे मैं मेरा कॉर्पोरेट लेवल से आती बात को लगाती हूं, मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, कंपनी को लिक्विडेट कर देते हैं। लिक्विडेशन इज द पार्ट ऑफ रिट्रेंचमेंट। स्ट्रक्चर चेंज होगा कि नहीं होगा? जीरो, जीरो हो गया। मैंने कहा चलो कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी लगाते हैं, और कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी के अंदर मेरे पास ए बी सी डी चार बिजनेस थे, ठीक है। मैंने यहां पर लगा रखा था स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट, और यहां पर मैंने अगेंस्ट स्टेबिलिटी लगा रखी थी, ठीक है। ये मेरी कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी है, हर बिजनेस के लिए अलग अलग कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी। मैंने कहा चलो भाई काम करते हैं, आज इस बिजनेस पे जिसमें मेरा स्टेबिलिटी, इसको हटा देते हैं, इसको रिट्रेंच कर देते हैं, तो क्या इससे मेरा स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। सो आपको मुझे बताना है स्ट्रैटेजी फॉलोज स्ट्रक्चर ए, या फिर स्ट्रक्चर फॉलोज स्ट्रैटेजी। इसमें से एक ट्रू है, एक फॉल्स है, एक ट्रू है एक फॉल्स है। रेज योर हैंड जिनको लगता है बी इज ट्रू, बी इज ट्रू। पूरा हाथ खड़ा करेंगे आसमान की तरफ। ओ बेटा तुम ही नहीं कर रही हो बेटा। ओके तो 70-80% बच्चे कह रहे हैं कि ये वाला स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब रेस्ट ऑफ दी यहीं पर ही फॉल करने वाला है। 20-30% कह रहे हैं कि स्ट्रेटजी फॉलोज स्ट्रक्चर। हिंदी में जरा कन्वर्शन करके देखो, ये देखो, सुनना, ये कौन है बताती हूँ, ये कौन है? ये है हमारी स्ट्रेटजी। क्या कह रही है? जहां मैं जाती हूं वहीं चले आते हो। मतलब अगर मैं जहां जहां जा रही हूं तुम मेरे पीछे पीछे आ रहे हो, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है वो किसके चेंज होने पे चेंज हो रहा है? स्ट्रेटजी के चेंज होने पे चेंज हो रहा है। तो गाना कौन गा रहा है ये वाला? स्ट्रेटजी। क्या गाना गा रहा है? जहां मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो। तो बताओ कौन किसका पीछा कर रहा है? स्ट्रक्चर फॉलोज स्ट्रेटजी। देखते हैं आपका सही जवाब है कि नहीं। लेट अस सी।
दिस वॉज द क्वेश्चन इन वन ऑफ द आरटीपीज। इन दोनों में से कोई एक चूज करो। देख रहे हो कितना कंफ्यूजन है इसके अंदर। तो जो एक गाना है ना, एक गाना ही आपको अब सक्सेस दिलाएगा, वहां पे जाके गाना ही गुनगुनाना, जहां मैं जाती हूँ वही चले आते हो। ये कौन कहता है? स्ट्रेटजी कहती है कि जैसे ही मैं चेंज करती हूँ ना, ये मेरे पीछे पीछे आता है, ये भी रास्ता चेंज करता है। ठीक है, ऐसे ही मैं तुम्हें एक वो सुनाती हूँ, बचपन से एक जोक सुनते थे, सुनाती हूँ। एक बकरी पहाड़ पे चढ़ी, 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 एक बकरी मुड़ा है, मुड़ गई। बस इतना ही था ये। अब आई ना ऐसी थोड़ी देर बाद, दैट वॉज द पॉइंट। ऐसे ही था ये भी, स्ट्रक्चर फॉलो स्ट्रेटजी, सच अ सिंपल कॉन्सेप्ट, बट हमारे को जैसे तुम्हें भी हंसी आई ना कि मतलब कुछ था नहीं इस जोक के अंदर, फिर भी आपने इसको पॉपअप किया। ऐसे ही कुछ है नहीं इस टॉपिक के अंदर, पर ये पॉपअप करके एग्जाम में आ जाता है। एक बकरी पहाड़ पर चढ़ गई। हाँ, अब याद रहेगा। चलो, किसने दिया था ये कॉन्सेप्ट? आपको याद होगा कि मैंने आपको एक चैप्टर नंबर 6 के अंदर फर्स्ट पेज था, नीड ऑफ द फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी सीआईडी, मैंने आपसे कहा था कि वो एक पेज होता था, बेसिक पेज होता था, बच्चे कह के नहीं जाते थे और मैं हमेशा फोकस करती थी कि प्लीज कर लो और वो आगे एग्जाम में। ये भी अभी तक हमने क्या स्ट्रक्चर चालू करे, नहीं, नेक्स्ट पेज स्ट्रक्चर है। ये वो पेज है जो एग्जाम में आ सकता है, चाहे तो एमसीक्यू में, चाहे तो डिस्क्रिप्टिव में। ओके, चलो, अब आपने इतना अच्छा काम किया ही तो है, तो एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं तो बात पूरा मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने मुझे कहा कि मैम स्ट्रक्चर कीप्स ऑन चेंजिंग बिकॉज स्ट्रेटजी कीप्स ऑन चेंजिंग, राइट? सो कैन आई से दैट दिस इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस और दिस इज अ वन टाइम प्रोसेस? तो ये एरो क्या दिखाता है? कॉन्टिन्यूशन दिखाता है। ठीक है, चलो, अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा कि हमने ना अपने कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी में चेंज किया, बट हमारा मन नहीं था, हमने स्ट्रक्चर में चेंज नहीं किया। हमने कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी में चेंज किया, इसका मतलब क्या था? स्ट्रक्चर में भी चेंज होना चाहिए था, बट हमने नहीं किया। एग्जाम्पल, ये बेटा एक पानीपुरी वाला, ये क्या बेच रहा है? पानीपुरी वाला तो पानीपुरी बेचेगा ना। अभी तक इसके ये स्टॉल लगा के ऐसा गोलगप्पे रखे हुए नया टोकरी के अंदर, ठीक है, ये अभी स्टॉल लगा के यहाँ खड़ा होता था, लाइन लगती थी भाई, लाइन लगती थी भाई, लाइन, ये कर ही नहीं पाता था सबकी डिमांड को कंप्लीट, मतलब लाइन लगती थी। तो फिर कोई एक भला आदमी आया, कहता अगर आपके पानीपुरी की इतनी डिमांड है तो आप एक काम क्यों नहीं करते, दूर दूर से लोग आपके पानीपुरी खाने आते हैं, तो एक काम क्यों नहीं करते, अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग लगा लो। उसने कहा कहाँ लगाऊं? कहते एक द्वारका में लगा लो, एक फरीदाबाद लगा लो, एक गुड़गांव लगा लो, एक लक्ष्मी लक्ष्मी में खड़ा बैठा हूं, बताओ। हाँ, और एक क्या बोलते हैं ये, गाजियाबाद लगा लो। ठीक है, अब मैं आपसे बोलती हूँ, चार इसने यहां पर पानीपुरी वाला खोल लिया। अब मैं तुमसे बोलती हूँ, ये जो आदमी है पपलू, ये पपलू एक टाइम पे कौन सी दुकान खोल सकता है? लक्ष्मी वाली दुकान खोल सकता है क्या? साथ में द्वारका वाली भी खोल देगा क्या? साथ में फरीदाबाद वाली भी खोल देगा? इसका मतलब इसको एक एक्स पर्सन चाहिए होगा, यहाँ पर एक वाई पर्सन चाहिए होगा, एक जेड पर्सन चाहिए होगा, चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा? तो इसका मतलब अभी तक स्ट्रक्चर क्या था? सिर्फ ये, और इसका एक छोटा सा बेटा जो इसे हेल्प करता था। और अब स्ट्रक्चर में क्या हो गई? कन्वर्जन हो गई। अब ये है, इसके नीचे चार लोग हैं, हो गया स्ट्रक्चर में चेंज। बट अब पब्लू क्या कह रहा है? नहीं, मैं नहीं करूंगा चेंज। तो बताओ पब्लू को कोई दिक्कत आएगी? आएगी, आएगी ना। बस कौन सी दिक्कत है, उसका नाम क्या है? कौन सी प्रॉब्लम? न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स। तो बताओ इस प्रॉब्लम का जुगाड़ क्या है?
एक्स वाई जेड को चेंज लगा देना, स्ट्रक्चर को चेंज कर देना, ठीक है। तो अगर न्यू प्रॉब्लम आती है तो परफॉर्मेंस क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, राइट। एंड परफॉर्मेंस को अगर डिक्लाइन से इंप्रूव करना है तो क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ेगा। डन, कैसा था, सिंपल था, बाकियों के लिए नहीं होगा। माइंड दिस थिंग, दिस कैन कम ऑन द केस बेस्ड क्वेश्चन ऑल्सो, दिस कैन कम डायरेक्टली ऑल्सो, एंड दिस माइट कम इन द एमसीक्यू सेक्शन ऑल्सो। आई बिलीव आई हैव गिवन यू एन एम्पल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस। नाउ यू कैन राइट इट, राइट। ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, इसमें कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम से क्या होने वाला है, हमारी परफॉर्मेंस को डिक्लाइन होने वाला है, तो परफॉर्मेंस को वापस से इंप्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ेगा। डन, इस चीज पे अगर फोकस कर रही हूं तो समझ जाओ कि मेरे को इंट्यूशन है, बाकी आए ना आए देखो वो तो एग्जाम की बात है। चले आगे। ओके, सो नाउ फ्रॉम हियर वी आर बिगिनिंग द चैप्टर व्हिच इज चैप्टर नंबर 7 का ए पार्ट। चैप्टर के 7 ए पार्ट में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स। ओके, एंड आई बिलीव कि यू ऑल आर हैविंग द नॉलेज कि स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, मुझे स्ट्रक्चर डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, अब 7 स्ट्रक्चर्स आपके सामने हैं, इनमें से ऐसे कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जिनके बारे में आपने कभी सुना है, तो ये आपने सुना है और ये भी सुना है आपने, सिंपल वाले का आइडिया है, पर मेरे पास वोडाफोन है, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। एसबीयू भी थोड़ा थोड़ा सुना है, ओके, हल्का हल्का ऐसा सुना है, और किसी ने कुछ सुना है, नेटवर्क भी सुना है, पक्का सुना सुना लगता है, सुना सुना लगता है। दो बातें हैं, एक है सुना सुना लगना और एक है सुना सुना सा लगना, दो को छोड़ के बाकी सब, ये वाला और ये वाला, ठीक है। चलो, सो आई गेस कि मैं जिस सीरीज से लेके जाने वाले उस सीरीज से चलते हैं। सबसे पहले सिंपल स्ट्रक्चर, देन वी आर गोइंग टू डू द डिफिकल्ट वन। नो नो, उसके बाद ठीक है, चलिए आइए। सिंपल स्ट्रक्चर, जिस दुकान पे आप चाय पीने जाते हैं, जिस दुकान पे आप मैगी के पैकेट खरीदने जाते हैं, उस दुकान पे बेटा कौन कौन होता है, एक अंकल होते हैं और एक उनका छोटू होता है, ये कौन है, क्या वरुण, ये हालात, ये हालात है, बताओ रे बताओ, इतने इतने ऐसे हालात, जबरदस्त। चलिए, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, सिंपल स्ट्रक्चर, दैट मींस देर इज वन ओनर कम मैनेजर, ओनर कम मैनेजर, राइट, देर इज वन बीवी कम असिस्टेंट, राइट। सो सिंपल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, जहां पे सिंपलिसिटी है, जहां पे देर आर नो फॉर्मैलिटीज और वेरी लेस ऑफ फॉर्मैलिटीज। ओके, मान्या, समझ में आया। ओके, सो सिंपल स्ट्रक्चर का एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सिंपल स्ट्रक्चर्स। तो मैं सीधा बोलती हूँ कि सिंपल स्ट्रक्चर इज दैट स्ट्रक्चर जहां पर कि देखो रूल्स क्या होते हैं, कम होते हैं, फॉर्मेलिटीज क्या होती हैं, लिटिल होती हैं, बहुत कम फॉर्मेलिटीज होती हैं, राइट। एंड ओनर का या मैनेजर का इन्वॉल्वमेंट कैसा होता है, डायरेक्ट होता है, सीधा हम बात करते हैं ओनर से, ये नहीं होता कि आपको इससे होके गुजरना पड़ेगा ओनर से बात करने के लिए, ऐसा नहीं होता। एंड ये वाला मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आ सकता है बेटा, एमसीक्यू। ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि आपको स्पेशलाइजेशन कम देता है, क्योंकि जैसे एग्जांपल आप इसको रिलेट करो, आप एक ऐसी फर्म में गए जहां पर एक सीए है और 5 आर्टिकल हैं, आप उनमें से एक हो, तो वो सीए क्या करेगा, आपसे जीएसटी का काम भी कराएगा, इनकम टैक्स का काम भी कराएगा, पैन कार्ड भी आपसे वही रजिस्ट्रेशन कराएगा, फाइलें भी आप भी से उठवाएगा, यानी कि आपको हर एक काम आपसे ही
करवाएगा। जबकि अगर आप थोड़े हाईर लेवल की फर्म पे जाएंगे तो वो उतना आपको स्पेशलाइजेशन देना चालू कर देंगे। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? तो ये वाला पॉइंट याद रखना एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इवन मेरे को लगता है केस स्टडी में भी पूछा जा सकता है। वो आपको बताएगा ऐसे ऐसा करके कि हमारे पास में ना ये चीज की स्पेशलिटी होती है, और हम अपने यहाँ के एम्प्लॉयज को ना हर एक चीज में जो है नॉलेज देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। बताओ कौन सा स्ट्रक्चर है? वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो द निमोनिक फॉर द सिंपल स्ट्रक्चर इज IFRS, राइट? गिविंग यू 1 मिनट, पूरा निमोनिक याद कर लो, 1 मिनट बाद सुन लूंगे। ठंड लग रही है? सच में ठंड लग रही है? सीट चेंज करेगी, वहां पे बैठेगी? तब से तबीयत ठीक नहीं हुई है। मैं भी कल डाउन हो गई थी, मेरा भी हालत ऐसी हो गई थी, फिर मैंने 3 टाइम भैया दवाई खा के अपने आपको, नींद आती है, व्हाट एल्स। मैंने भी क्लासेस का कैंसिल करके मैं सोई हूँ, मैंने कहा यार चाहिए। वो था ना कि जैसे हम लोग जाते हैं होटेल्स के अंदर एसी, फिर बाहर निकलो जयपुर में वैसी गर्मी, ठंडा गरम ठंडा गरम, फिर आओ फिर एसी, फिर बहुत ठंडा गरम हो रहा था। डन, याद हो गया है? फरस आंखों पे याद रख। हाँ ट्राई कर। हाँ हाँ करना है, आंखों पे याद रख के कुछ और नहीं करना है, सिर्फ आंसर बोलना है रे। हाँ क्या क्या हो क्या? हाँ डायरेक्ट। हाँ क्या? हाँ फॉर्मलाइजेशन मतलब फॉर्मेलिटीज कितनी होती है, ज्यादा कि कम? लिटिल। ओके हाँ कम रहेगा भाई, तो चीनी चाय वगैरह बना रही है क्या? चीनी वीनी भी कम रहेगी, पत्ती वत्ती भी कम रहेगी। अच्छा ठीक है चलो। ओके नेक्स्ट इज फंक्शनल स्ट्रक्चर, ये तो आपको पता है ना, आप पे छोड़ दूं क्या? मैं सीधा आपको एक बात बताऊं, पते की बात बताऊं, हम किसके बेसिस पे डिवाइड करते हैं? फंक्शन के बेस पे डिवाइड करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? फंक्शनल स्ट्रक्चर। ध्यान रखिएगा आपने जो पढ़ा है, जो मैं बता रही हूँ, देर आर टू लेवल्स, कॉर्पोरेट लेवल एंड फंक्शनल लेवल। क्योंकि बिजनेस तो एक ही है ना, एक ही बिजनेस में है, तो क्या किया उसको फंक्शन के बेसिस पे डिवाइड कर दिया। तो जब वन बिजनेस है, वी आर डीलिंग विद वन बिजनेस, एग्जाम्पल सिर्फ कपड़ों का ही काम है, तो क्या होगा? कॉर्पोरेट लेवल और फंक्शनल लेवल में HR डिपार्टमेंट। समझ आई? तो कितने लेवल्स? दो लेवल्स। कौन कौन से? बिजनेस लेवल गायब क्यों हो गया? क्योंकि एक ही बिजनेस है, क्योंकि एक ही बिजनेस है। हर फंक्शन हर अलग डिपार्टमेंट को शो करता है, ठीक है? चलो ये तो बहुत इजी है, आ जाइए थर्ड नंबर पे। कौन सा पढ़ना अपने को? जाके नंबरिंग पे जाके देखो, मैं ही देखो, आ जाओ, ये सबसे अच्छा स्ट्रक्चर है। आओ आओ चलो चले, आओ मिलो चले, जाना कहाँ पता है हमें? आओ हम चल रहे बेटा चाय की टपरी पे। कहाँ चल रहे हैं? चाय की टपरी पे। आप लोग भी जाते ही हो, बट यहाँ पे टपरी थोड़ी डिफरेंट है। कहते हैं कि दुनिया के जितने बड़े काम होते हैं ना, उसकी सोच उसकी ऊपर जो चाय की टपरी ही होती है। हाँ है ना, टपरी पे देखो क्या सीन चल रहा है। गुड़गांव में बेटा चाय की टपरी है। कहाँ पर है? गुड़गांव में। अब गुड़गांव में बेटा मेजरली जो CA फर्म्स हैं, जो अच्छी अच्छी फर्म्स है, वो कहाँ पर है? गुड़गांव में है। तो अभी मैं मान के चलती हूँ कि देर आर 4-5 फर्म्स, CA फर्म्स, एंड ये सभी लोगों सभी फर्मों की जो आर्टिकल है ना, ऐसा एक फर्म से आर्टिकल आया ये है A, फिर दूसरी फर्म से एक आर्टिकल आया ये है B, फिर एक आर्टिकल आया C and D, ये एक दोनों एक ही फर्म के? क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत थोड़ी है, होता है कभी कभी दो लोग साथ में चलते ही चलते हैं।
हाँ चलो ये भी आ गए। और चाय की टपरी पे बाहर के लोग भी ऐसा रहेंगे रहेंगे, तो ये हमारा फर्म ई हो गया, ये एफ हो गया, और ये कुछ बाहर के आउटसाइडर्स हो गए, चाय पी रहे हैं, ये एक बेंच है और ये एक बेंच है, ठीक है, चाय पी रहे हैं। अब मैंने जैसे कि आपको बताया कि सारे के सारे बिजनेस आइडियाज कहाँ पर, चाय की टपरी पर। अब देखो क्या सिनारियो है, एक कहता है यार मैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैं बहुत काम कर चुका हूँ, अब ना जो मैंने नॉलेज ऑब्टेन करी है ना, अब वो टाइम आ गया कि मैं इस टाइम का रिटर्न जो है मेरे को आना चाहिए। तो ये आपस में किससे बात करता है, ये बी से बात करता है, ठीक है। बी कहता भाई तू क्या उखाड़ लेगा, सी तो बना नहीं अभी। ए बोलता है यार फिर भी यार कोई तो जुगाड़ होगा, इनकी बातें सामने वाला सुन रहा होता है, ये ई बोलता भाई जुगाड़ की बात करी, मैं हूं जुगाड़, मैं कराऊंगा जुगाड़, पता क्या करना तेरे को। कहते नहीं मेरे को ऐसा वैसा कुछ नहीं करना है, मेरे को ना सिर्फ बात ऐसी है कि मेरे को पैसा चाहिए चाहिए, मैं सिर्फ पैसे के लिए जीता हूँ, पैसे के लिए मरता हूँ। एफ कह रहा है मरता तो ये सामने वाली पे भी है, छोड़ो इसको। तो ये सब बैठ के हंसी मजाक में बातें बातें कर रहे हैं। अब इसी में क्या होता है, ये दोनों जन ये भी एक्टिव हो जाते हैं, इनको आपस से फुर्सत मिल जाती है, ये दोनों जन भी एक्टिव हो जाते हैं। और जैसे ही एक्टिव होते हैं ना, इनकी बातें वगैरह सुनते हैं ना, तो ये कहते हैं कि तुमने जो है क्या काम करना है, तुम क्या कर लोगे ये बताओ, काम करने का मन है तुम्हारा तो तुम क्या कर लोगे। तो एक कहता है देखो मैंने ना मेरी फर्म के अंदर ना जब से आया हूँ ना, जब से आया हूँ तब से जीएसटी रिटर्न संभाली है मैंने, मतलब पीरो हो चुका हूँ मैं इसमें पीरो। ये कहता है मैंने आईटीआर संभाली है भाई, इसमें मैं आईटीआर में पीरो हो चुका हूँ पीरो। ये कहता है मैंने आरओसी का सारा काम संभाला है, मैं एक एक डिटेल जानता हूँ। और ये क्या क्या कहता है, कहता है बैंक तो ना मतलब छोटे मोटे काम, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, पैन कार्ड वगैरह, अभी अभी मेरे को साल भर भी नहीं हुआ ना, समझ रहे हो, तो मैं ये सारे काम अपने ऑफिस में संभाल रहा हूँ, तो मैं ये कर सकता हूँ। ये दोनों चुनमुन, ये चुनमुन दोनों, ये क्या कहते हैं, देखो बात ऐसी है वैसे तो हमें आपस से टाइम नहीं मिलता, बट अगर हमें मिल जाएगा तो हम भी आपके साथ में आना पसंद करेंगे। तो कहते साथ में आना पसंद करेंगे मतलब हम भी आपके नेटवर्क में आना पसंद करेंगे, हम भी आपके नेटवर्क में आना पसंद करेंगे। तो ये कहते तुम क्या करोगे, तो देखो हमारे में स्पार्क है, स्पार्क का इस्तेमाल करके हम क्लाइंट लेके आएंगे, काम कैसे करोगे तुम, किसी क्लाइंट का काम करोगे, हम क्लाइंट लेके आएंगे, हमारे में स्पार्क है हम क्लाइंट लेके आएंगे। तो बेटा इनकी क्या हो गई, इनकी इनका एक ग्रुप बन गया, इनका एक नेटवर्क बन गया, ऐसा नेटवर्क जिसमें ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, एक ऐसा नेटवर्क जिसमें देर इज नो अकाउंटेबिलिटी, एक ऐसा नेटवर्क जिसमें देर इज नो अथॉरिटी एंड नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, देर इज नो सुपीरियर एंड नो सबॉर्ट, सब दोस्त है ना आपस में, सब दोस्त है आपस में, राइट। क्योंकि ये सब दोस्त है आपस में, तो ये क्या बना रहे बेटा, एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम, नेटवर्क स्ट्रक्चर। मैं तो एक बात कहती हूँ कि इस नेटवर्क स्ट्रक्चर का मतलब होता है बेसिकली नो स्ट्रक्चर, मतलब जो अभी तक आप हायरार्कियल स्ट्रक्चर पढ़ते आए थे ना, वो स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं होता, इसीलिए नेटवर्क स्ट्रक्चर का दूसरा नाम क्या होता है, नो स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें कोई लेवल्स वगैरह नहीं होते। Is that clear? ये तो फिर ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये है बेटा कॉबवेब लाइक स्ट्रक्चर, कॉबवेब यानी कि मकड़ी के जाले की तरह फैलता चला जाता है, फैलता चला जाता है। कल को बेटा ये तीन महापुरुष, ये बीकॉम कर रहे थे बेटा, ये बीकॉम कर रहे थे, इनको भी हमने अपने ग्रुप में शामिल कर लिया, हमने कहा तुम भी हमारे ग्रुप पे आ जाओ, चाय की टपरी पे रिलेशनशिप बॉन्ड्स बनते देखे हम लोगों ने, इनको भी शामिल कर लिया। इसका मतलब कोई मान धीमान नहीं है, ये कहीं से भी आदमी है, अदरक की तरह है, कहीं से भी फैल सकता है। तो नेटवर्क भी किसकी तरह है, अदरक की तरह है, कहीं से भी फैल सकता है। ये इसको अच्छा लगा, इसने इसको इंटू कर दिया, इनको अच्छा लगा ये किसी और को इंटू कर देंगे,
बात समझ आई? ये क्या था? नेटवर्क स्ट्रक्चर, मतलब जहां पर कोई हायरार्की नहीं है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? कॉबवेब लाइक, मकड़ी के जाले की तरह होता है। क्या इसमें कोई सुपीरियर कोई सबॉर्डिनेट? नहीं, क्योंकि कोई सुपीरियर नहीं, क्योंकि कोई सबॉर्डिनेट नहीं। अब तुमसे मैं पूछू, गोवा के ट्रिप पे चलोगे? तुम हाँ बोलोगे, बट परमिशन तो ऊपर से लानी पड़ेगी, समझ रहे हो? तो सिमिलरली जितने भी स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े, वहां पर आप कहीं ना कहीं एक परमिशन, कहीं ना कहीं, चाहे फॉर्मेलिटी लिटरली सही होगी तो सही। यहां पर क्या है, खुले सांड की तरह घूमो, जो आपको ठीक लगता है वो आप करो, क्योंकि आपके ऊपर कोई सुपीरियर नहीं है। आपको किसी की परमिशन नहीं लेनी, आपको जो ठीक लगता है वो करो। एम आई क्लियर? बात समझ में आई? कोई दिक्कत? अब इसकी बट एक लिमिटेशन है, एक लिमिटेशन है। बताऊं क्या लिमिटेशन है? बिल्कुल सही बात। कहते हैं एक माया में दो तलवारें नहीं रह सकती। माया का मतलब क्या होता है? कवर? हाँ, तो कैसी कैसी बातें करते हो। अभी मैं म्यूजियम में विजिट किया था ना मैंने, तो वहां पर जब गाइड ने मेरे को ऐसे ही बताया कि ऐसे एक कवर रखा हुआ था, ठीक है, और उस कवर के बाहर में दो तलवारें रखी हुई थी। तो उसने मुझे ऐसे ही बताया कि मैम आपने सुना होगा ना, एक माया में दो तलवारें नहीं रह सकते। मैंने कहा हाँ। कहता है एक माया थी और दो तलवारें थी, एक मुगल की और एक राजपूत की, कुछ ऐसा उसने मुझे बताया। कि देखो मैम, यही से मुहावरा बना था कि एक माया में दो तलवारें नहीं रह सकते हैं। तो जैसे एक माया में दो तलवारें नहीं रह सकती, सिमिलरली इस नेटवर्क के अंदर ज्यादा शाणे लोग होंगे ना, तो एक ग्रुप पे भी चल नहीं पाएगा। ज्यादा शाणे लोग, क्योंकि फिर वो क्या दिखाएंगे? शाण पट्टी दिखाएंगे, समझ रहे हो? इसीलिए शाणे लोगों को क्या बोला गया? पोटेंशियल पार्टनर्स। क्या बोला गया? पोटेंशियल पार्टनर्स। तो इसीलिए इसने बच्चे क्या बोला होगा कि भैया ऐसे लोगों को नहीं रखे अपने ग्रुप के अंदर तो अच्छा है। शाणे लोगों को इंग्लिश में क्या बोला इसने? पोटेंशियल पार्टनर्स, जो ग्रुप को पोटेंशियल रखते हैं बिगाड़ने का, क्योंकि ये लोग अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे। अब मान लो दो इंटेलिजेंट लोग हैं, ए बोलेगा मेरे अकॉर्डिंग चलो, बी बोलेगा नहीं मैं तो ग्रुप को ऐसे लेके जाऊंगा और कुछ भी नहीं होने वाला। इसीलिए पोटेंशियल पार्टनर्स जो होते हैं वो ग्रुप को बनाने की जगह ग्रुप को स्पॉइल करते हैं। ये क्या है? नेटवर्क स्ट्रक्चर। सिंपल स्ट्रक्चर का निमोनिक क्या था? नेटवर्क स्ट्रक्चर का निमोनिक क्या है? नेटवर्क, ठीक है, ओके। अतिशय रीड करो फर्स्ट पॉइंट। बात समझ आई? कोई दिक्कत? नेक्स्ट। अब यहां पर ध्यान से सुनना मेरी बात। ये लोग याद है आपको? ये लोग, ये बीकॉम वाले, इनको भी अपने ग्रुप में ले लिया था, ठीक है। अब सुनना, अब सारे बैठे हुए हैं, अब सारे बैठे हुए हैं। अब काम आता है, एक काम आता है। क्या काम आता है? बैलेंस शीट के ऊपर सी का स्टैंप और साइन चाहिए। सबका मत्था घूम गया, तेरे काम तो हम सारा कर लेंगे, इस टाइम कौन सा लेके आए? ओ तो बेटा ध्यान रखना, जो आप कर पाओ वो बढ़िया, जो ना कर पाओ वो और भी बढ़िया। अरे भैया वहां आउटसोर्स करा के ले आएंगे। यो कह रहा बीकॉम वाला, अरे तुम टेंशन का ले रहे हो, मैं ताऊ जी का बेटा है, मुकड़ वे 4 साल हो गए उसकी दुकान चलना रही, तो उस टाइम लगवा के ले आऊंगा मैं, 10,000 में ही दे आऊंगा उसे। ओके, सो दिस इज जस्ट फॉर द फन। तो समझ रहे हो मेरी बात? यानी कि क्या किया हमने यहाँ पर? जो चीज हमें आती थी हमने वो अपने नेटवर्क में कर ली, बाकी क्या कर दिया? आउटसोर्स कर दिया। एलिमिनेशन ऑफ इन हाउस फंक्शन, यानी कि अगर आपका कोई ऐसा फंक्शन है जो कि आपको नहीं आता, आप उसको एलिमिनेट कर दो, यानी कि क्या कर दो? आउटसोर्स कर दो। आप मत करो, यानी कि आप नकली स्टैम्प बना के मत घूम लो फिर, समझ रहे हो? इज दैट क्लियर? जो काम आता है वो करो, जो नहीं आता उसको आउटसोर्स कर दो। बतेरे लोग करते ही हैं। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट। क्यों? क्योंकि ये तो देखो, इसको आप किताब पे छाप ही नहीं सकते। कौन किसके आगे, किसने किसको नेटवर्क में जोड़ दिया, ये सिर्फ वर्चुअली ही है, ये इमेजिनरी ग्राउंड्स पे ही होता है। इसको हम जैसे
जब भी हम कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं, चाहे वो फंक्शनल स्ट्रक्चर है, चाहे वो डिविजनल स्ट्रक्चर है, उसको हम किताब पे छापने होंगे, यानी पेपर पे छाप सकते हैं। इस स्ट्रक्चर को आप पेपर पे क्या ही छाप लोगे, इसीलिए इस स्ट्रक्चर का डायग्राम आपको मिलेगा ही नहीं, किसी बुक में नहीं मिलेगा। कहाँ कहाँ से कौन कौन ऐड हो जाएगा हमें क्या पता, इसमें तो पोस्ट ऐसे क्रिएट हो जाती है और ऐसे ग्रिड हो जाती है। चलो नेक्स्ट, एमसीक्यू नोट कर लीजिए बेटा। देखो ध्यान से समझना, अगर मान लो आपने अगर वो इंसिडेंट सुना हो जो ट्रेन वाला इंसिडेंट हुआ था, वो तीन ट्रेन आपस में हो गई थी, सुना होगा सब लोगों ने, तो दैट वॉज अ मोमेंट जिसको कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऐसे टाइम पीरियड में ना, जब आपके स्ट्रक्चर्स में फॉर्मेलिटीज होती है ना, तो वहां पर टाइम लग जाता है। जैसे कि मान लो अगर रोड पे कोई एक्सीडेंट हुए ना, तो मान लो बंदे को हॉस्पिटल लेके जाना हो, आई शुड नॉट नेम, बट जो वो रेप इंसिडेंट हुआ था आई गेस इन द 2012, निर्भया हत्याकांड, एंड दैट हत्याकांड मैंने पूरी स्टोरी सुनी, पूरी स्टोरी देखी देखी थी। दैट फ्रेंड ऑफ हर, उसने डेड, उसने मतलब जब वो सब कुछ हो गया, जब बस से उनको नीचे फेंका गया, उसके बाद में आते जाते लोगों से उसने काफी मदद मांगी, ले दे के कुछ टाइम के बाद 20 मिनट्स के बाद एक बंदा रुका और उसने क्या किया, कॉल किया पुलिस में, कॉल किया कि ऐसे ऐसे सामने मेरे ये लोग हैं, ऐसे इनकी हालत है। तो पुलिस आई, और पुलिस आने के बाद में कौन से हॉस्पिटल में लेके जाना है और कौन सी चौकी का केस लगेगा, इस चीज को डिसाइड करने के लिए 1 hour 20 minutes लग गया। कैन यू बिलीव 1 hour 20 minutes। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो लड़का किसी लिए चीख रहा होगा, छोड़ो फॉर्मेलिटीज और सिर्फ मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ, इजंट इट, वो यही कह रहा होगा ना। सो समटाइम्स दीज फॉर्मेलिटीज सक्स, हम लोगों को दिक्कत करती है। सो इन द केस ऑफ द अनस्टेबल एनवायरमेंट, नेटवर्क स्ट्रक्चर ये बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। जब किसी को रेस्क्यू करने की बात आती है, तो लोग नेटवर्क बना के रेस्क्यू करते हैं कि नहीं करते हैं? जब ये ट्रेन वाला इंसिडेंट हुआ था, जो आसपास के लोग, तुरंत नेटवर्क बनाया और रेस्क्यू किया बिफोर द टीम द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कुड अराइव। नेटवर्क स्ट्रक्चर ने बहुत सारा काम किया, अदरवाइज हमें नंबर ऑफ डेथ्स और देखने को मिलती। सो जहां पर अनस्टेबल एनवायरमेंट होता है, वहां पर नेटवर्क स्ट्रक्चर बहुत सही फॉलो होता है। तो आप, मैं भी आज भी निर्भया हत्याकांड के बारे में सोचती हूँ, मेरे हाथ पैर फूल जाते हैं। वो उसका दोस्त आज भी जिंदा है, और आई गेस कि वो हमारी एज ग्रुप का ही है। काश उस दिन वो, मतलब उस दिन वो सब चीजें नहीं होती, और टाइम दिल्ली का केस है और वहां लगता था मेरे को फॉर्मेलिटीज, एंड द काइंड ऑफ सेम केस मेरे साथ में हुआ था, बट नॉट दैट हायर लेवल, बट बस में ही हुआ था विद मी, वेयर आई वाज लाइक यार ये फॉर्मेलिटीज क्यों है, आई वाज बीइंग हिट बाय द बस, बट यू नो आई हैव टू फाइल द एफआईआर ना, आई वाज रिक्वायर्ड टू गो टू अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एंड बिफोर दैट आई हैव टू गो टू अ गवर्नमेंट सॉरी बिफोर दैट आई हैव टू गो टू द पुलिस स्टेशन। सो मतलब मेरे को समझ नहीं आया कि व्हाट दैट फॉर्मेलिटी वाज, अगर मैं हिट हो चुकी हूँ ऑलरेडी, दोस्त सेंसेस की मुझे ट्रीटमेंट चाहिए, और मैं कह रही हूँ भैया मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाओ, आई कैन बेयर माई एक्सपेंसेस, मुझे लेके जाओ, तो वो क्या कहते हैं, अगर आपने एक बार प्राइवेट में इलाज करा लिया तो हम आपका केस ही फाइल नहीं करेंगे, हमें मान के चलेंगे कि आपने प्राइवेटली कर लिया, वहीं पे केस खत्म। तो ये जो फॉर्मेलिटीज होती है कई बार, यू नो दीज फॉर्मेलिटीज सक्स, और मैंने आई गेस 3.5 घंटा वेट किया, 3.5 घंटा वेट किया जस्ट कि मैं उस बंदे के अगेंस्ट FIR फाइल करा सकूं। जस्ट मैंने उसके अगेंस्ट FIR फाइल कराई, उसका DL कैंसिल कराया, और मैंने जो भी मैं बेस्ट कर सकती थी मैंने वो बेस्ट किया। अप्रोक्सीमेटली 3:30-4 बजे भी आई वॉज इन साइड द पुलिस थाना, आई वॉज इन साइड बींग अ फीमेल, आई वॉज इन साइड द पुलिस थाना, बिकॉज मैं नहीं चाहती थी कि मैं आउट ऑफ ये फॉर्मेलिटीज इस बंदे को एक अंडी एडवांटेज मिल जाए, मैं नहीं चाहती थी, मैं चाहती थी कि मैं उसको छोड़ू ही ना। और इवन आई वॉज रिक्वेस्टिंग कि इसका हमेशा के लिए लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए, अगर ये हिट करता है तो मैं तो इस पे मर्डर का केस डालने, मर्डर के चार्जेस डालने वाली थी, हिट एंड रन का ट्रायल रन का केस डालने वाली थी कि भैया आज इसको छोड़ना ही नहीं है। तो फॉर्मेलिटीज जो होती है बहुत दिक्कत भरी चीज हो जाती है कभी कभी, और हम नहीं चाहते। तो
क्या हम प्राइवेट के एक्सपेंसेस बियर नहीं कर सकते? बिल्कुल बियर कर सकते हैं. माय शोल्डर वाज इन अ वेरी ब्रूटल कंडीशन. फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स मुझे डांस छोड़ना पड़ा, बिकॉज डांस में आपकी हर एक बॉडी पार्ट का सही होना बहुत जरूरी है. फ्रॉम दैट डे मेरे को डांस छोड़ना पड़ा, विच वॉज वन ऑफ माई लाइफ लाइन, वन ऑफ माई हॉबी. जो उसने किया वो बहुत बड़ी चीज थी. अभी भी बॉडी चल रही है, बट वो जो उसने हॉबी के ऊपर हिट कर दिया वो एक बहुत बड़ी चीज है. एंड हम उसके लिए कुछ कर नहीं सकते. 3.5 घंटा मैं रोड पे बैठी रही. पीसीआर, यस पीसीआर आई, देवर अगेन डिस्कसिंग कौन से चौकी का केस है, कहाँ लेके जाना है, विच इज द नियर बाय हॉस्पिटल, क्या केस में लगेगा क्या नहीं लगेगा, बहुत सारी चीजें. तो जो निर्भया ने किया वो चीज मतलब मैं फील कर पा रही थी कि हाँ ये क्या हुआ होगा. एंड आई गेस कि लोग भी जो होते हैं ना उनके मन में एक दहशत और है कि इफ समवन इज बीन इन द वर्स्ट कंडीशन, या फिर ऐसे कंडीशन जहां पर कि उसके बगल में पुलिस की वैन खड़ी हुई है, तो अगर आप उनकी हेल्प करते हो तो फिर वह आपसे बयान लेने के लिए आपके भी चार चक्कर थाने के कटवाएंगे. इस चक्कर में लोग जो है हेल्प तक नहीं करते कि चार चक्कर हमें और काटने पड़ेंगे, तो वो जो हेल्प चाहे ना वो भी नहीं करते. किसी ने बोला अगर तो निर्भया हत्याकांड में लड़का और लड़की के बॉडी के ऊपर किसी ने कवरेज तक नहीं करी, जबकि वो हॉस्पिटल में भी न्यूड गए थे, तब वहां तक भी कवरेज नहीं करी. लड़का वो सही कि मुझे पर्दा ही दे दो कम से कम, तो हॉस्पिटल की नर्स तक ने पर्दा नहीं दिया था. तो दिस इज द लेवल जहां पर ह्यूमैनिटी क्रॉस मतलब इंसान कर देता है कि छोड़ भैया इंसानियत है ही नहीं किसी के अंदर, खत्म. बट आई एम वन ऑफ द पर्सन, मैंने बहुत सारी चीजें से देखी है. कभी एक बार मैं क्लास से आ रही थी, देर वॉज सम नो गर्ल जिसका पर्स को लेके भागा था, मोबाइल को लेके भागा था. मैं पीछे भागी हूँ, मैं भाग के चोर को पकड़ के मैं घूसे घूसे मार रही हूँ, मैं उसे थाने लेके जा रही हूँ, बेल से उसे मैं पिटवा रही हूँ, और केस कौन सा लगाना है, धाराएं कौन सी लगानी है वो भी मैं ही बता रही हूँ. पुलिस वाला कह रहा है कि आपने इसके ऊपर की धाराएं क्यों लगाई, मैंने कहा इससे लगाई बिकॉज ये यहाँ का चोर है, मैं इसे बाहर नहीं दे सकती, ऐसे लोगों के ऊपर ही धाराएं लगनी चाहिए, ऐसी की तैसी धाराओं की तो हम लगवाएंगे. तो समटाइम्स आई फील कि हमें करना चाहिए. अब मेरा भी उस टाइम थाने पे चक्कर लगता ही है ना, और कहते हैं कि लड़कियों को तो थाने जाना मतलब है इमेज पे स्टैम्प और ये सब. बट आई गेस कि अगर हम मॉडर्निटी में बिलीव करते हैं ना, तो फिर हमें ये सब कुछ नहीं सोचना चाहिए और हमें हेल्प करनी चाहिए एज मैक्सिमम आई कैन. इसी का मुझे एक आज की डेट में एक रिटर्न मिलता है, दैट इज कि फील वेरी प्रोटेक्टिव वेन एवर आई गो. जो कहीं पर भी जाती हूँ ना, सब लोग से मुझे बहुत प्रोटेक्शन मिलता है. एंड मेरे स्टूडेंट्स मेरा इतना प्रोटेक्शन करते हैं, मेरे जितने बॉयज हैं दे प्रोटेक्ट मी लाइक दे आर माई यंगर ब्रदर. मतलब अगर मैं चल रही हूँ ना, किसी ने मुझे हल्का भी हिट किया ना, तो मेरा स्टूडेंट अगर मेरे साथ में होगा ना, लाइक साइड में देख के चल. सो दिस आई हैव गेन्ड. सो फर्स्ट आई हैव गिवन टू एवरी वन इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलेशनशिप. And now I am getting whatever I have done. And I guess this is the best thing. Okay, coming back to the question. O se, yes, Satish. Done? Overcome ka matlab kya hai? Bhaiya limitation ho gayi hai. Isliye kya karo unko? Overcome karo. Kam se kam apne aap pe potential partners rakho. Quick response hai. Last. Maine spell ko change kiya hai. Aapko C se likhna hai. मैंने सिर्फ निमोनिक में डालने के लिए चेंज किया था. ठीक है, डन, क्लियर हो गया. ओके, ये ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका कि एग्जाम में नहीं बनाना, खुश हो जाओ. चलो आप बताओ नेक्स्ट कौन सा करना है. आवर ग्लास, बहुत बहुत ही निपका सा है. आइए, आवर ग्लास स्ट्रक्चर, इट कैन कम इन द एग्जामिनेशन. सो आपने देखा तो हो गई आवर ग्लास. कोई ऐसा जैसा आवर ग्लास ना देखा हो. हाँ, रेत वाला सबने देखा है. तो वो होता है ना कि ऐसे करके रखते तो मिट्टी इस तरफ जाती है, फिर ऐसे करते तो मिट्टी इस तरफ जाती है. एक घंटे में पूरी मिट्टी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चली जाती है ना. सो ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, इसका शेप ना इसकी जैसा है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा, आवर ग्लास स्ट्रक्चर. ये देखो, हमारी नॉर्मल शेप क्या है बेटा, ये शेप हमारी नॉर्मल शेप है. इसकी शेप क्या है देखो, इसकी शेप ये शेप है. ठीक है, चलो आओ डिफरेंशिएट करते हैं. तो मैंने ज्यादा ही कर दिया बेटा,
इसको थोड़ा सा ऐसा। सबसे पहले बात करते हैं फंक्शनल लेवल की, दिस इज ऑलमोस्ट द सेम, नो डिफरेंस, ठीक है। बात करते हैं इसकी, दिस इज ऑलमोस्ट द सेम बट डिफरेंस है, डिफरेंस है। अगर यहाँ पे 20,000 लोग थे, यहाँ 20 का 10 हुआ और यहाँ 10 का लेट सपोज 2,000 हुआ, तो यहाँ पर 20,000 है, 20 का यहाँ पर हो रहा है बेटा 15। मैं डायग्राम पे मत जाना, मैं सुंदर डायग्राम नहीं बनाती हूँ, ठीक है। अब 15 के बाद वापस से ऑलमोस्ट 18 से 20 हजार, आपको इस डायग्राम में क्या कमी लग रही है? एक तो ये 10,000, ये 15 कैसे हो गया? नहीं बेटा सॉरी, 5, एक सेकेंड, 20 का ये 15 होगा, ये 10 होगा, अभी ठीक है, ओके। तो जहां पर 20 के 15 आगे जाते बिजनेस लेवल पे, वहां पर 20 के 10 आगे जा रहे हैं, तो वो 5 कहां गए? उन 5 को टेक्नोलॉजी खा गई। कौन खा गई? टेक्नोलॉजी खा गई। कहते कि आपकी जरूरत ही नहीं है, टेक्नोलॉजी है तो हमारे पास, ये सारे काम कर देगी। हमने कहा जैसे जैसे आपने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा ही है इसका, MIS रिपोर्टिंग, अरे भैया सॉफ्टवेयर आ गए, हमें जरूरत ही नहीं है आपकी, आप क्या करेंगे? बिजनेस इंटेलिजेंस, अरे भैया हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हम सब काम कर लेंगे, आपकी जरूरत ही नहीं है। तो ले दे के 5,000 लोगों की नौकरी कौन खा गया? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यानी कि ये एक नया स्ट्रक्चर था, इसीलिए आपने इसका नाम नहीं सुना था, तो नया स्ट्रक्चर था, इसलिए टेक्नोलॉजी ने क्या किया, 5,000 लोगों की नौकरी खा ली। ये था मिडिल लेवल का पार्ट। अब बात करते हैं टॉप लेवल की। आपको ये चीज जायज लगती है कि 20,000 से 15,000 लोग आगे पहुंचे और वहां से फिर 2,000 लोग टॉप लेवल पे बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं? पूरी कंपनी को मैनेज कर रहे हैं। तो जो बंदा यहाँ पर बैठा होगा, वो बंदे, हर एक बंदे को होता है कि मैं इस कंपनी का सीईओ एक दिन जरूर बनूंगा। तो ये एक मतलब सेंस ऑफ मोटिवेशन होता है जो एम्प्लॉयज के अंदर होता है, और इसीलिए वो काम करता है, यहाँ से यहाँ पहुंचता है, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचने की उम्मीद करता है। मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर तो उल्टा उसको टेंशन हो रही है। क्या टेंशन हो रही है? यहां पर 20 में से 15 ऊपर जा रहे थे, तो 20 में से 10 ऊपर जाएंगे, और उसके बाद वापस से हमें उतना ही हो रहा है। तो आप पता है कंपनी क्या कर रही है? वापस उतना करने के लिए बाहर से, फ्रॉम आउटसाइड लोग लेके आ रही है टॉप लेवल की। अब आप मुझे बताओ, एक बंदा यहां बैठा हुआ है, आपकी लैंग्वेज में अपनी मरवा रहा है, और वो बंदा जैसे यहाँ पहुंचा, ले दे गया पहुंचा, पर उसको लग रहा है कि वो शायद यहाँ पहुंच पाएगा, क्योंकि मेजरली हम कहाँ से उठाएंगे? बाहर से उठाएंगे। तो क्या ये बंदा मोटिवेट रह के काम कर पाएगा? नहीं। तो दिस स्ट्रक्चर वॉज एन अनसक्सेसफुल स्ट्रक्चर, एंड देयरफॉर दिस इज नॉट बीइंग यूज इन द कंपनीज, ओके। तो दिस स्ट्रक्चर वॉज अ अनसक्सेसफुल स्ट्रक्चर। आपको अच्छा लगेगा, आप मेहनत कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, कोई और आदमी बाहर से आए। अगर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में बाहर से आदमी उठाना था तो ये क्या बोलेंगे? तो भाई तुम मतलब हम पे बाहर से आके बुलवा बुलवा के हम पे तो उनका राज चलवा रहे हो, मतलब कंपनी का सीईओ बाहर से अपॉइंट हो रहा है ना? तो फिर एक काम करते हैं, हम भी दूसरी कंपनी में काम कर लेते हैं और वहीं से तुम्हारी कंपनी में आ जाएंगे फिर सीईओ बन के, अगर तुम बाहर से इतना लेना चाहते हो, इस कंपनी में तुम काम नहीं करेंगे। तो दिस वॉज अ वेरी बैड स्ट्रक्चर, जो कि यहाँ इस लेवल पे आदमियों को तोड़ के चला गया। तो जो यहाँ पे ही नहीं खड़ा पाया, तो इसके ऊपर ट्री तो क्या ही बनता। इसीलिए दिस वॉज एन अनसक्सेसफुल स्ट्रक्चर। बात समझ आई? ओके, तो मैं दोबारा बोलती हूँ, जो हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर है वहां पर भी 3 लेवल्स, यहां पर भी 3 लेवल्स, बट इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर बीच वाला जो लेवल है उसमें नौकरी कौन खा गया? आईटी यानी टेक्नोलॉजी आई, और बीच में मिडिल लेवल की नौकरियां खा गई। टॉप लेवल की बात करें तो टॉप लेवल में इधर के देखो, ये नैरो कितना है, दिस इज अ नैरो, दिस इज वेरी वेरी वाइड। तो हमें क्या करना पड़ा? बाहर से लोगों को रिक्रूट करना पड़ा इस स्ट्रक्चर की शेप को देखते हुए, और जैसे हम बाहर से रिक्रूट करने लग गए, तो जो हमारे लोग थे,
हमारे इंटरनल एम्प्लॉयज से ये उखड़ने चालू हो गए कि एक बात बताओ ना, जब आपको 20 का 20 रखना ही था ऑलमोस्ट, तो यहाँ पर आपने ये 10,000 का नाच, 10,000 का ढोंग क्यों रचाई आपने? ये बताओ, वो 10,000 जो यहाँ पर नहीं आ पाए और 10,000 जो बाहर से आप लेकर आ रहे हो, ये ढोंग आप क्यों रच रहे हो? ढोंग है ये स्ट्रक्चर, इसीलिए दिस वॉज एन अनसक्सेसफुल स्ट्रक्चर। इज दैट क्लियर? अनसक्सेसफुल स्ट्रक्चर। चलिए भव्य रीड करो मीनिंग। कोई दिक्कत? एडवांटेज तानिया, होल्ड। मैनेजर्स चले गए ना, उनकी सैलरी बच गई। कितने टुच्चे लोग हैं ना, देखो कैसी बातें कर रहे हैं ये। एडवांटेज दिखा रहे ना, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ना, तो उसके ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, देखो कॉस्ट बच गई हमारी। ओह पता क्या कह रहे हैं, हमने ना देखो, हमने बीच में टेक्नोलॉजी डाल दी ना, अब उनको पता है कि जो जॉब है वो लोग की कम हो जाएगी, तो नीचे वाले लोग ना उछल रहे हैं, हमें आगे बढ़ाओ, हमें आगे बढ़ाओ, हमें आगे, हम अच्छा काम करेंगे, हमें आगे बढ़ाओ, हमें रखो, हमें रखो। समझ रहे हो? लेवल देखो मतलब बंदे का आगे क्यों 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 होती है बेटा। अरे नहीं बेटा, आईटी के इस्तेमाल से क्विक डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट डिसएडवांटेज। मोनोटोनी का मतलब मोनोटोनस, यानी बोरियत। जैसे किसी से मिलती हूँ ना, बोलती है दिस इज अ वेरी मोनोटोनी गाय, बहुत ही बोरिंग गाय। बोरिंग का सिनोनिम होता है मोनोटोनी। अंकल टोनी नहीं आता जैसे उसके रेजर वगैरह आते हैं, मुझे तो वैसे ही लगता है अंकल टोनी। ठीक है अंकल चिप्स नहीं बोला मैंने। हो गया खत्म, आवर क्लास स्ट्रक्चर एग्जाम में आ चुका है, अब दोबारा एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, बट आपको ये बताना चाहिए, सुनो, अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर वर्ड इस्तेमाल हुआ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी टेक्नोलॉजी या फिर सॉफ्टवेयर्स, समझ जाना आवर क्लास स्ट्रक्चर। ठीक है, एफआरएस को कैसे पहचानोगे? अरे IFRS को कैसे पहचान, स्पेशलाइजेशन वाला पॉइंट आएगा। ठीक है, फंक्शन को आप कैसे पहचानोगे? डिपार्टमेंट फंक्शन के बेसिस पर बनेंगे। ठीक है, नेटवर्क को कैसे पहचानोगे? कोई हायरार्की नहीं है, अनस्टेबल एनवायरमेंट है, नो अथॉरिटी नो रिस्पॉन्सिबिलिटी नो सुपीरियर नो सबॉर्डिनेट। ठीक है, अनस्टेबल एनवायरमेंट मेन कीवर्ड हो गया। आवर क्लास को कैसे पहचानोगे? चलिए फेलियर नहीं देगा वो लिखा हुआ, वो मैं आपको बता रही हूं। चलो नेक्स्ट स्ट्रक्चर मैट्रिक्स करें शुरू, पांच मिनट का ब्रेक ले ले फिर शुरू करें। हैं, चलो 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं फिर शुरू करो। ओके, सो हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स इन टोटल, हाउ मेनी वी आर डन? फर्स्ट निमोनिक, सेकेंड फंक्शनल स्ट्रक्चर,
उसमें तो फंक्शन के बेसिस डिवाइड करते हैं. थर्ड निमोनिक, फोर्थ. ओके चलिए अब चलते हैं मैट्रिक्स स्ट्रक्चर की तरफ. मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, हैव यू हर्ड अबाउट द टर्म कॉल्ड मैट्रिक्स मैथ्स में? सो बताओ डिफाइन अ मैट्रिक्स. सभी लोग मैथ्स में इतने होशियार, बताइए डिफाइन मैट्रिक्स. कनेक्ट होते हैं, क्यों कनेक्ट होते हैं? वाह क्या बात है, इसीलिए तो हमारे पास आया मैट्रिक्स स्ट्रक्चर. मैट्रिक्स यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स. ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनना. मैं आपको जो बताने जा रही हूँ, इससे जो आपको सिखाने जा रही हूँ, ये आपको कहीं YouTube पे नहीं मिलने वाला, कहीं आपको नहीं मिलने वाला इतने इजीएस्ट फॉर्मेट में. अब देखो बेटा, मेरी कंपनी है, मैं क्या बनाती हूँ? गारमेंट्स बनाती हूँ. ठीक है, तो फिक्स है ना गारमेंट्स ही बनाऊंगी, है ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. तो मैंने क्या कहा, मेरा एक बिजनेस है क्या? गारमेंट्स का, मैं तो गारमेंट्स बनाती हूँ. मैंने कहा दूसरा बिजनेस शूज का, मैंने खोल लिया. दूसरा बिजनेस में मैं क्या ही बनाऊंगी? जूते ही बनाऊंगी. बात समझ आई? अब ध्यान से सुनना, अब मेरा बिजनेस ना इसका नहीं है. अब पता है मेरा बिजनेस किस चीज का है? मेरा बिजनेस है बेटा कंस्ट्रक्शन का. कंस्ट्रक्शन कंपनी हूँ मैं, एक क्या करती हूँ? कंस्ट्रक्शन करती हूँ. पता है किस क्या क्या बनाती हूँ? मैं ब्रिज बनाती हूँ, मैं रोड बनाती हूँ, मैं बिल्डिंग बनाती हूँ, मैं सब बनाती हूँ. अब मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, अभी तक मैं जूते और इसका एग्जाम्पल ले रही थी, तो मेरे मेरे हाथ में था ना, मैं जूते बना रही हूँ तो जूते बना रही हूँ. अब मुझे बताओ, मुझे ब्रिज बनाना है तो क्या करूं? बनाती रहूं ब्रिज? जब तक ब्रिज बनाने का काम नहीं आएगा तो क्या मैं ब्रिज बना लूंगी? अगर रोड बनाने का काम नहीं आएगा तो मैं रोड बना लूंगी? कोई समझ, वो बिजनेस में और इस बिजनेस में कितना फर्क है? कोई कह रहा है बिल्डिंग बनाओ तो ही तो बिल्डिंग बनाऊंगी, अब ये थोड़ी है बिल्डिंग बनाऊंगी. समझ रहे मेरी बात? यानी कि ये कैसी कंपनी हुई? ऐसी कंपनी जहां पे प्रोजेक्ट बेस्ड काम चलता है. एम आई क्लियर? मेरी कंपनी आईटी कंपनी, ठीक है? मैं क्या करती हूँ, मैं ना वेबसाइट डिजाइन, बहुत ही सिंपल आपके लिए लेके चल रही हूँ, वेबसाइट डिजाइन करती हूँ मैं. ठीक है, अब कोई वेबसाइट आएगी तो डिजाइन करूंगी या अपने लेवल से दे वेबसाइट, दे एक और वेबसाइट, कल परसों एक और वेबसाइट करती हूँ क्या प्रोड्यूस? सुनने में प्रैक्टिकल लगता है क्या? नहीं लगता ना. तो दैट इज व्हाट द पॉइंट इज. सो देयर आर सर्टेन कंपनीज व्हिच वर्क प्रोजेक्ट बेसिस पर. किसके बेसिस पर? प्रोजेक्ट बेसिस पर, कि जब प्रोजेक्ट आएगा तो हम प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे. क्या आप इस बात की नीड समझे कि ये अपने को क्यों चाहिए था? वो बिजनेस जो जूते का, जो बिजनेस हम कर रहे थे वो अलग था. जूते बना रहे बनाते रहो, कपड़ा बना रहे, रॉ मटेरियल लाओ, कपड़ा बनाओ, शर्ट बनाओ और बेच दो भैया. यहाँ पर क्या करोगे? बात समझ आई? So, यहाँ पर कंपनी प्रोजेक्ट बेस पे काम करती है. सो मेजरली कंस्ट्रक्शन कंपनीज, आईटी कंपनीज, गुड़गांव में जितनी कंपनीज है ना, 75% कंपनीज इस स्ट्रक्चर पे काम करती है. 75% कंपनीज. और आप भी जब बड़े हो जाओगे ना, जब आपकी आर्टिकलशिप पूरी हो जाएगी, तब आपके पास जो नौकरी भी आएगी ना, वो भी 99% ऐसे कंपनी की आएगी जिसमें ये स्ट्रक्चर फॉलो होता होगा. तब तक के लिए आइए जानते हैं कैसी नौकरी आपको आएगी, आप क्या कर पाएंगे. आइए तो पहले बताओ, नीड समझ में आई? चलो तो अब देखो, मेरे पास एक काम आता है, मेरे पास एक प्रोजेक्ट आता है, प्रोजेक्ट ए. क्या प्रोजेक्ट है? ब्रिज बनाना है. ठीक है, ब्रिज बनाना है. तो मैंने कहा ठीक है, इस ब्रिज को बनाने के लिए मुझे मेरी टीम चाहिए होगी. तो मेरे को टीम में क्या चाहिए? चार लोग चाहिए होंगे. टीम चाहिए, चार लोग चाहिए, चार अलग अलग तरीके के लोग चाहिए. मैंने कहा कौन कौन चाहिए? देखो, एक तो मुझे चाहिए प्रोडक्शन मैनेजर, एक मुझे चाहिए इंजीनियरिंग मैनेजर. मैनेजर नहीं भी लगाना मत लगाओ, इंजीनियरिंग ऑफिसर, प्रोडक्शन ऑफिसर. एक मुझे क्या चाहिए? एक मुझे चाहिए फाइनेंस का बंदा, भैया पैसे वैसे की बात भी तो होगी, फाइनेंस डिपार्टमेंट. ऐसे करके मैंने क्या किया, ये चार लोग अपने प्रोजेक्ट ए में शामिल कर लिए. तो ये चार लोगों का बॉस कौन? ए. चार लोग का बॉस कौन? ए. बात समझ आई? तो यहाँ पर
इन चारों का अकाउंटेबिलिटी किसके टवर्ड्स? ए के टवर्ड्स। बात समझ आई? इतने हम ब्रिज बनाए रहते हैं कि हमारी कंपनी को एक और प्रोजेक्ट मिल गया, कहते रोड बना दो। क्या बना दो? रोड बना दो। ठीक है भैया, अब हम रोड बना देते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। रोड बनाना है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये प्रोजेक्ट हमारे पास आ गया। अब हमें क्या चाहिए? फिर से एक टीम चाहिए। फिर से एक टीम बना दी हमने, जो जो बंदे रिक्वायर्ड थे जिस जिस फंक्शन के वो इस टीम में डाल दिया। बताओ इस टीम के जो लोग हैं, लाइट ब्लू वाला शेड जो है, इसकी टीम के जो लोग हैं वो किसको अकाउंटेबल होंगे? बी को अकाउंटेबल होंगे। इतनी बात समझ आती है? अब रोड कहां से कहां तक बनानी थी? यहां से यहां तक बनानी थी ना। अब रोड बन गई, अब रोड बन गई। अब जब रोड बन गई तो क्या करे इस टीम का, क्या करे इस टीम का? रोड बननी थी ना, रोड बन गई, क्या करे टीम का? बिल्कुल सही बात है को खत्म। इसका मतलब, इसका मतलब ये सब क्या है बेटा? ये गर्लफ्रेंड्स की तरह बेटा, टेंपरेरी नेचर। क्या है बेटा? टेंपरेरी नेचर है। बात समझ आ रही? टेंपरेरी नेचर। अब जिस प्रकार से गर्लफ्रेंड, क्योंकि वो जानती है उसका रिश्ता टेंपरेरी है, तो अपने बॉयफ्रेंड से कितना बेचारा पैसा निकलवा लेती है, ये भी दिलवाओ वो भी दिलवाओ, करती है कि नहीं करती है? तो आपको क्या लगता है, जो ये लोग भी जानते हैं ये टेम्पररी कंपनी में काम कर रहे हैं, तुमको लगता है ये लोग अच्छे से कंपनी के रिसोर्सेस को इस्तेमाल करेंगे? अरे याद करो 12th का आखिरी दिन जब तुमने सारे के सारी शर्टें अपनी खराब करी, तुम जानते थे ना कि अब अगली बार तुम्हें स्कूल में नहीं आना, तुमने सारी शर्ट खराब करी। ये बंदे भी ऐसी करेंगे, ये कहेंगे भैया हमारी रोड तो बन गई, अब कंपनी के रिसोर्सेस करो डिप्लीट। क्या ही फर्क पड़ गया? क्योंकि ये कंपनी के बाकी लोग नहीं रहने वाले। तो ये कैसे लोग हैं? ये टेम्पररी लोग हैं। तो इसका हमारे को इलाज करना था। इसका इलाज क्या करना था? इसका इलाज करने के लिए हमने क्या किया? हमने इन सब के ऊपर एक लोग बिठा दिए। हमने कहा जितने भी प्रोजेक्ट होंगे उन सब में जितने भी प्रोडक्शन मैनेजर होंगे उन सबके ऊपर एक प्रोडक्शन मैनेजर बैठा होगा, उन सबके ऊपर एक प्रोडक्शन मैनेजर बैठा होगा जो कि परमानेंट नेचर होगा। यानी कि ये जो प्रोडक्शन मैनेजर होगा, ये टेम्पररी नेचर है, बट जो इन दोनों के ऊपर बैठा होगा वो क्या किस नेचर का होगा? परमानेंट नेचर का होगा। यानी कि मैम इस व्यक्ति के अब बन जाएंगे दो सुपीरियर। एक तो ये था ही, और अब एक और कौन बन गया? ये। यानी कि जब भी कोई काम करेगा, क्योंकि प्रोडक्शन मैनेजर से कैटेगरी में बिलोंग करता है, तो ये इससे पूछ के करेगा, क्योंकि एम्प्लॉय जो है वो कैसा है? टेम्पररी नेचर है। इसीलिए ये एम्प्लॉय कैसे भी करके काम कर सकता है, ऑर्गेनाइजेशन को खराब कर सकता है, हैम्पर कर सकता है। इसीलिए परमानेंट एम्प्लॉय यानी कि इस एम्प्लॉय से बातचीत करके या डिस्कशन करके ही आगे बढ़ेगा। तो इस आदमी के दो मैनेजर हो गए ना, इस आदमी के दो सुपीरियर हो गए ना, तो एक तो इस तरफ एक तो इस तरफ, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। बात समझ आई? अभी तक तो सिर्फ वर्टिकली ही हम बात करते थे, यहाँ पर वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी भी है और हॉरिजॉन्टल अकाउंटेबिलिटी भी है। बात समझ आई? बताओ हॉरिजॉन्टल अकाउंटेबिलिटी किसकी तरफ है? प्रोजेक्ट मैनेजर की तरफ, और वर्टिकल लायबिलिटी किसकी तरफ वर्ड्स है? परमानेंट प्रोडक्शन मैनेजर की तरफ। अब बात समझ आई? बोलो हाँ कि ना। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? अब आप लोगों को प्रैक्टिकली एक बात बता दूं, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि गुड़गांव में इतनी सारी कंपनीज है वो ये स्ट्रक्चर लगा रहे हैं। अब आपके पास एक नौकरी आती है, ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट की नौकरी आती है। मैं प्रज्ञा से पूछूंगी, प्रज्ञा ये बताओ मुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट में ये इस लेवल की नौकरी आपको आई है, ठीक है? मुस्सू को, अरे क्या हुआ, घर को नौकरी चाहिए? मुस्कान को इस लेवल की नौकरी आई है, ये मुस्कान को ऑफर आया, ये तेरे को ऑफर आया, दोनों के आगे लिखा होगा फाइनेंस मैनेजर। अब बता दोनों की नौकरी में डिफरेंस है कि नहीं है?
क्या क्या डिफरेंस है बताओ, तुम्हारी अपने बारे में बताओ, तुम अपने बारे में बताओ, तुम्हारी नौकरी टेम्परेचर की है तुम बताओ, ठीक है और बताओ। नेटवर्क स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं था ना, नेटवर्क स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं था। अच्छा और बताओ, तुम बताओ। हाँ कौन कौन, परमानेंट मैनेजर, वेरी वेरी गुड। अच्छा तुम मुझे बताओ मुस्कान कि तुमने कहा कि कंपनी में तुम परमानेंट नेचर हो, चलिए आइए बात करते कुछ इस बारे में। तो प्रज्ञा ने मुझे कहा कि वो टेम्पररी नेचर है, आइए कुछ बात करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में, यानी कि किताब से हटकर। अब प्रज्ञा मुझे पता है शी इज अ जेम टू माय कंपनी, मतलब क्या काम करती है, जलने वाले लोग। तो मैं चाहती हूँ कि प्रज्ञा जैसी जो कंपनी में मेरे लिए आई है लड़की, एम्प्लॉय जो आई है, ये कंपनी को छोड़ के ना जाए, बिकॉज दैट इज अ काइंड ऑफ जेम टू द कंपनी, कंपनी के लिए असेट है। तो क्या होता है, इफ यू परफॉर्म गुड इन द प्रोजेक्ट्स, तो जैसे आपका एक प्रोजेक्ट खत्म होता है, तो मान लो कोई प्रोजेक्ट सी आया, तो प्रज्ञा को क्या किया जाएगा, यहाँ ये प्रोजेक्ट खत्म हुआ, यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट। तो कहने को ये टेम्पररी है, बट कहने को ये परमानेंट भी हो सकती है, कैसे, अपनी काबिलियत से। और बताती हूँ एक बहुत अच्छी फैंटास्टिकल बात बताती हूँ। जब आप प्रोजेक्ट मान लो ये ब्रिज बना रहे थे, एक्स मान लो उसको, ठीक है प्रोजेक्ट, सॉरी ए मान लो, ए प्रोजेक्ट आपने किया और ये प्रोजेक्ट खत्म हो गया, लेट सपोज 8 मंथ्स में खत्म हो गया, ठीक है। अब 8 मंथ्स में खत्म होने के बाद में कंपनी को, प्रज्ञा को सस्टेन करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बट कंपनी के पास इन हैंड अभी कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें कि वो प्रज्ञा को लगा सके। तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी प्रज्ञा को बिठाएगी, कहाँ बिठाएगी बेटा, बेंच बोलते हैं इसको, बेंच पर बिठाएगी, किसे बिठाएगी, बेंच। और बेंच बैठ के क्या करते हैं बेटा हम, प्रज्ञा यहां बैठ के क्या करेगी, वेट, किसका वेट करेगी, कि नहीं प्रोजेक्ट का। और प्रज्ञा तुम्हें पता है इससे ना खूबसूरत बात क्या हो सकती है, कि जब तक तुम बेंच पे बैठोगी तुम्हारे को सैलरी कंपनी देगी, फुल टू सैलरी देगी, इससे अच्छी बात कोई हो सकती है, समझ रहे हो, ये पर्क्स है बेटा। बट इसकी भी लिमिटेशन होती है, जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो ना कंपनी के साथ, तो वहां पर साफ साफ लिखा होता है 15 डेज के लिए बेंच टाइम होगा, 30 डेज का बेंच टाइम लिखा होता है। अगर उस टाइम में आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं आया, तो 15 दिन में तुम्हें फोकट की सैलरी पता क्यों मिल रही है, ताकि तुम्हें सैलरी इधर में से मिलती रहे और तुम उधर दूसरी नौकरी ढूंढते रहो, बात समझ आई। तो यहां से पैसे आते रहेंगे, और 15 दिन अगर तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में 15 दिन लिखा हुआ है तो 15 दिन तक ही आएंगे, अगर 15 दिन हे भगवान नया प्रोजेक्ट दे दो, अगर आ गया तो डन है, नया प्रोजेक्ट आया ओके टाटा बाय बाय, कोई नोटिस नहीं, कोई शॉर्टलिस्ट नहीं, कोई कंपनी को कोई कुछ नहीं, 15 दिन का पैसा दे तो दिया और क्या लोगे बताओ, बात समझ आई, बोलो हाँ कि ना। तो टेम्पररी को भी क्या बना दिया मैंने, परमानेंट बना दिया, आप भी कर सकते हो। और आप देखो, आपने खुद मुझे बताया कि ये आपके अंदर काम करेगी, ऑब्वियसली दिस इज अ लेवल लोअर देन दैट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू वुड बी ज्वाइनिंग द इंडस्ट्री, तो आपको इस लेवल की नौकरी तो नहीं मिलेगी ना, अभी तो इसी लेवल की मिलेगी। तो आप अपनी काबिलियत के बेसिस पर अपने आपको परमानेंट कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी में ज्यादा सैलरी मिलती है, कंपैरेटिवली ज्यादा सैलरी मिलती है। तो जब आपको जॉब वगैरह आप देखो, या किसी और को जॉब पे अप्लाई करते हुए देखो, तो अगर वो कंपनी प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी है, ठीक है, तो समझ जाना कि 99% आपको इसी चीज के लिए यूज कर रहे होंगे, चूज कर रहे होंगे। ये जो परमानेंट वाला एरिया है, ये तो बहुत बहुत मुश्किल से होता है, ठीक है। और मेजरली कंपनी से करती है, जैसे कि मान लो धीरे करके प्रज्ञा का काम हमें बहुत पसंद आया, तो एक प्रोजेक्ट, दो प्रोजेक्ट, तीन प्रोजेक्ट, अब 5 साल हो गए भैया, अब इसको ये बना देंगे, अब तुम एक काम करो इस कंपनी में डेरा डाल के बैठ जाओ, जैसे कुंडली में सांप बैठ जाता है, तो हमारी कंपनी में बैठ जाओ, अब हमें तुम्हारे सर्विसेज बहुत पसंद आई, तो ये यहाँ तक पहुंच सकती है। आइए मुझसे की बात करते हैं, मुझसे बहुत चौड़े घूम रही थी, कर दी मैं तो परमानेंट नेचर हूँ, तुम परमानेंट नहीं हो बेटा, तुम रिलेटिवली परमानेंट हो, एम्प्लॉय है, यू आर फायर्ड, ये काम तो कभी भी हो सकता है, इसलिए हम कभी भी किसी कंपनी में परमानेंट नहीं होते, ठीक है। तो परमानेंट को क्या बना दिया, टेम्पररी,
और टेम्प्री को क्या बना दिया, परमानेंट। ये प्रैक्टिकल लाइफ की बात बता रही हूँ, ये किताब में नहीं लिखा, ठीक है। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर समझ में आया, इंटरेस्टिंग लगा मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। चलो रीड कर लोगे खुद से ही, चलो रीड कर लो, पहला पॉइंट रीड कर लो सब लोग खुद से। दूसरा पॉइंट रीड करो, होम डिपार्टमेंट कौन सा है, वो परमानेंट वाला। तीसरा याद करो, तीसरा रिवाइज करो, ये देखो ये क्या है, परमानेंट डिपार्टमेंट। बोर्ड पर देखो ये क्या है, परमानेंट डिपार्टमेंट। और नीचे वाला क्या है, अब बच्चा कहता है मैम जो प्रोजेक्ट मैनेजर है ये ए और बी, ये भी टेम्पररी है। अरे जब सारा ही है टेम्पररी, प्रोजेक्ट मैनेजर भी क्या ही कर लेगा, लीडर बन के खाली बैठ रहेगा ऐसे ही। जब प्रोजेक्ट होगा तो प्रोजेक्ट का मैनेजर है, प्रोजेक्ट गया तो मैनेजर भी गया, अब वो भी किसी और प्रोजेक्ट का मैनेजर बनेगा, कल को प्रोजेक्ट आया तो वो उसका मैनेजर बन जाएगा। इसीलिए हायरिंग प्रोजेक्ट मैनेजर की भी की जाती है, और ऐसी कंपनीज में ज्यादा हायरिंग होती है क्योंकि हर जगह के प्रोजेक्ट आते हैं। मान लो इस कंपनी में ऐसा कोई प्रोजेक्ट आया जो कंपनी ने कभी कोई काम ही नहीं करा, मान लो कंपनी ने कभी कोई बिल्डिंग ही नहीं बनाई, तो वो क्या करेंगे, वैकेंसी निकालेंगे कि हमें ऐसा प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए जिसने की सुपरवाइज कर रखा हो बिल्डिंग को, तुरंत वैकेंसी आती है इसके अंदर, सबसे ज्यादा वैकेंसी आती है। आईटी कंपनी में भी यही होता है, आपके पास कोई ऐसी स्किल है और जैसे ही प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी में नौकरी निकली, भैया आपने सीधा एंट्री कर लेनी है। और बट 15 दिन की सैलरी, 3-3 महीने की सैलरी मिलती है बेंच पे, 3-3 महीने की सैलरी बेंच पे मिलती है, मतलब आराम से लोग जाते हैं आराम से, क्या कम। और अब वर्क फ्रॉम होम में जब लोग बेंच पे बैठे हैं तो वो तो आराम से बैठ के, औरतें तो मतलब घर में खाना ना बना रही है तो पता भी नहीं कि नौकरी पे है कि नहीं है, बेंच बैठने के लिए याशी रहती है और पति बैठ के उनका नौकरी ढूंढ रहा है आराम से मस्त। कोविड में तो इतना ही बढ़िया काम हुआ था। चलो डन हो गया मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, ये वाले तो दोनों पॉइंट्स ही पढ़ लिए, तो बताओ इसको कैसे पहचानोगे, रोज एंड कॉलम्स, दो बॉसेस, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, वेरी गुड, मोस्ट कॉम्प्लेक्स। हाँ मोस्ट कॉम्प्लेक्स से मेरे को एक याद आया बट एक क्वेश्चन था, मोस्ट सिंपल मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो लॉजिकली सिंपल स्ट्रक्चर, नाम भी सिंपल है तो वही होना चाहिए था मोस्ट सिंपल। पहले ना स्ट्रक्चर में सिंपल स्ट्रक्चर सिलेबस में नहीं हुआ करता था, सिंपल स्ट्रक्चर अभी थोड़ा टाइम पहले ही ऐड हुआ है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम से अगर मैं बोलूं कि आपके पास बाकी स्ट्रक्चर्स हैं, सिंपल छोड़ दो बाकी सारे स्ट्रक्चर्स हैं, तो आपको क्या लगता है कि विच इज द मोस्ट सिंपल, फंक्शनल स्ट्रक्चर। बस क्या क्या फंक्शन के बेस पे डिवाइड कर दिया। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप किसको टिक मार्क करोगे, फंक्शनल स्ट्रक्चर को, क्योंकि अभी भी आंसर पुराने वाला ही चल रहा है। लॉजिक समझा दिया मैंने आपको, तो विच इज द मोस्ट सिंपल स्ट्रक्चर। ओके मैट्रिक्स स्ट्रक्चर का निमोनिक क्या है, मैट्रिक्स। मोस्ट कॉम्प्लेक्स होता है असाइन प्रोजेक्ट, यानी कि जिसको जो काम असाइन किया जाएगा वो वैसा करेगा, और ये काम कब करेगी जब इसके पास प्रोजेक्ट आएगा, कंपनी को जैसे कोई प्रोजेक्ट असाइन हुआ काम करना चालू। और प्रोजेक्ट कैसे नेचर के होते हैं, टेम्पररी नेचर के होते हैं, रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट मैनेजर को भी होती है, फंक्शनल मैनेजर को भी होती है, फंक्शनल मैनेजर को वाई एक्सिस यानी कि हॉरिजॉन्टली होती है, नहीं इसको एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल होता है ना, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। ओके खत्म, कितना इजी स्ट्रक्चर था, बताओ कैसा कैसा लगा स्ट्रक्चर, अच्छा लगा, भगवान करे कि जितने लोग बिजनेसमैन बैठे हैं अपने आप ऐसे से काम करें। दिस इज अ मोस्ट रिलेवेंट स्ट्रक्चर नाउअडेज एंड वेरी पॉपुलर। सो आवर ग्लास आया वो तो फेल हो गया, मैट्रिक्स आया मैट्रिक्स सक्सेसफुल हो गया। एक बात बताओ मुझे, बचपन में दो स्ट्रक्चर्स पढ़े थे फंक्शनल और डिविजनल, तो आपको लगता था यही होते होंगे, आज आप 7 स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो तो आज आपको ये लगता है ना कि 7 ही होंगे, बहुत सारे और भी होते हैं ठीक है, पर आपको इतने ही पढ़ना है। चलिए
कितने स्ट्रक्चर हैं टोटल, कितने कर लिए, कितने बाकी? तीन। आइए जानते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर के बारे में। चलिए, नाउ एज द नेम सजेस्ट, डिविजनल स्ट्रक्चर यानी कि ऑब्वियसली डिविजन हो गया, तो डिविजन किस बेसिस पर होता है? बिजनेस, एक बिजनेस हुआ फंक्शनल लगा लिया, एक की जगह जैसे बिजनेस दो हुए तो क्या लगा दिया, तो यानी कि अभी तक देखना ध्यान से, कॉर्पोरेट लेवल था, उसके बाद अब क्या बीच में आ गया, बात समझ आई? ओके, कॉर्पोरेट लेवल पे कंपनी का सीईओ बैठा हुआ था, फिर हमने क्या किया, दो बिजनेस बनाए, उस बिजनेस को हम डिविजन भी बोल सकते हैं, और फिर उसके अंदर क्या आते, वेरियस फंक्शंस थे। क्या ये स्ट्रक्चर आपको आता है समझ में, कोई दिक्कत? पहला क्वेश्चन एग्जाम का कि जो हमें डिविजन बनाते हैं, ये जो डिविजन बनाते हैं, ये डिविजन किस बेसिस पे हो सकते हैं, पहला क्वेश्चन एग्जाम का। तो डिविजन हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जीपीसीपी, बोलो मेरे साथ जीपीसीपी, जीपीसीपी, जी का मतलब, एग्जाम्पल बताओ, चलो एक बकरी पहाड़ पर चढ़ी, तुमने पहाड़ वहां डाल दिया वहां से, है? अरे एग्जाम्पल बताओ ना, कोई ढंग का ऐसे एग्जाम्पल देती हूँ, मैं पूछूंगी मुस्कान से, मुस्कान आपका आईसीएआई रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है? ओके, और कोई जो एनआरओ ना हो, क्या ये, क्या ये रीजन्स, यानी कि डिविजन ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स, ज्योग्राफिकल लोकेशन का बेस्ट एग्जांपल आईसीएआई। फॉर द स्टूडेंट्स वी हैव सिक्स रीजन्स, न्यूज प्लस सेंट्रल प्लस फॉरेन, नेपाल वाले फॉरेन में आते हैं, एफआरओ, बात समझ आई? चलो नॉर्दर्न रीजन वाले हाथ खड़े करो, वेरी गुड, पुट योर हैंड्स डाउन। सेंट्रल रीजन वाले हाथ खड़े करो, तुम सेंट्रल में हो, क्या बात है, अरे मजे ले रहे हो, ओके पुट योर हैंड्स डाउन। एस वाले, सदर्न वाले, कोई नहीं है, ईस्टर्न वाले, कोई नहीं है, छोड़ो ना, अब बाकी तुम्हें पता है, समझ में आ गया, बताओ आईसी के एग्जाम्पल एग्जाम लिख दोगे, कोई दिक्कत है? तो ज्योग्राफी पे बेस भी कर सकते हैं डिविजन, आप कर सकते हैं जैसा आईसी ने करा। नेक्स्ट, प्रोडक्ट के बेसिस पे, ये तो जिंदगी में यही पढ़ते आई हैं, ये शूज और ये गारमेंट्स क्या किया, मतलब इसका तुम एग्जाम्पल देना भी नहीं चाहती, मतलब बहुत हो गया। आप आइए आगे चलते हैं, कस्टमर के बेसिस पे, ओ कस्टमर, गुड ओके। और आपको याद है मैंने आपको चैप्टर नंबर 6 के अंदर मार्केटिंग टेक्निक सिखाई थी, और उसके अंदर एक था डिफरेंशियल टेक्निक, साबुन था, कंपनी का नाम था एचयूएल, साबुन लक्स, लाइफ बॉय पियर्स, लाइफ बॉय अलग अलग तरीके के ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को टारगेट करता है, ये अलग ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को टारगेट करता है, बात समझ आई? कस्टमर के बेसिस पर है? क्या रेलवेज, रेलवेज में आप देखते हो वी हैव थर्ड एसी, वी हैव सेकेंड एसी, वी हैव जनरल, वी हैव स्लीपर। चलो लास्ट प्रोसेस, प्रोसेस के बेसिस पे डिवीजन, अब ये मैं नहीं बताऊंगी, तुम बताओगे, मैंने तो सारे एग्जाम्पल दिए, एक तो तुम भी दे सकते हो। गलत आंसर, प्रोसेस के बेसिस पे एग्जाम्पल, मैं बोलती हूँ नींबू, नींबू पानी वगैरह पी के आया कर, ऐसे ऐसे भाई तो एग्जाम्पल दे रहा है, सही जो सैंग में सोचा भी नहीं मैंने। प्रोसेस,
प्रोसेस के बेस पे हमने बायफर्केट करा। इस कंपनी का नाम सुना है? अमूल दूध पीता है इंडिया। लो बेटा, ये दूध था, दूध बॉयल हो रहा था और इसको पैकेट्स में डालना था, फुल क्रीम टोंड डबल टोंड, ये एक प्रोसेस है। अब इससे जो मलाई यहाँ पे क्रिएट हुई उसको हमने कहा दूसरा डिवीजन। अब इस मलाई से बटर तू बना ले, तो ये एक डिवीजन हो गया और मिल्क का एक डिवीजन हो गया। बात समझ आई? ये क्या है? अमूल कंपनी। इसका दिमाग में वही घुसा पड़ा है। तो प्रोसेस के बेस में हमने क्या किया? इसको बायफर्केट किया। ओके, नेक्स्ट बायफर्केशन शुगर कंपनी। आपको भी पता है शुगर केन से शुगर बनाते हैं, बाकी बहुत सारी चीजें से गुड़ भी बना सकते हैं, तो हम उसको भी क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। कोल माइंस जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वहां से भी डिफरेंट वैरायटीज के ऑयल निकलते हैं, उस वो कंपनियां भी क्या करती हैं? प्रोसेस बेस्ड डिवीजन करती हैं। समझते हो ना वो खाने वगैरह? ठीक है, तो शर्मा रहा है लड़का है आज। बताओ प्रोसेस समझ में आ गया? सबके एग्जाम्पल लिखा हो गया, कोई दिक्कत? ओके, सो दिस इज वॉट, दिस इज के बेसिस, के डिवीजन किस बेसिस पर हो सकता है। एसी बंद कर दो ना जरा, जवाब दो फिर, किस बेसिस पे डिवीजन हो सकता है? जीपी सीपी, जी से पी से, जी से पी से, सी से और पी से प्रोसेस। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन बनता है डिविजन स्ट्रक्चर का, कि डिविजन किस बेसिस पर होता है। रीड करो इसको। ठीक है, डन 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 डन, चले आगे। ओके, अब ध्यान से मेरी बात सुनना। ये जो स्ट्रक्चर आप अभी देख रहे हैं ना, ये स्ट्रक्चर आपके बचपन का स्ट्रक्चर है ना, जिसमें कि आपने मैनेजमेंट पढ़ा। अब आप क्या पढ़ रहे हैं? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, तो थोड़ा सा एक लेवल ऊपर तो होगा ही होगा। मैंने फंक्शनल स्ट्रक्चर को फटाक 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 करा दिया, क्योंकि वो वही था जो आपने पहले पढ़ा है। बट यहाँ पर एक चेंज है। यहाँ पर क्या चेंज है? देखो यहाँ पर क्या चेंज है, हल्का सा मैट्रिक्स से रिलेट करने की कोशिश करना। मान लो यहाँ पर फाइनेंस मैनेजर है, किसका, किस बिजनेस का? बिजनेस बी का। यहाँ पर भी फाइनेंस मैनेजर है, कौन से बिजनेस का? आपको नहीं लगता पूरी कंपनी का भी फाइनेंस मैनेजर होना चाहिए? तो क्या करेंगे, कॉर्पोरेट लेवल पे हम क्या बनाएंगे? फंक्शनल डिपार्टमेंट्स बनाएंगे कॉर्पोरेट लेवल पे, और फिर हम क्या करेंगे? फिर हम डिविजन्स बनाएंगे। अब बात समझ आई? तो ये किसका एरिया हो गया? कॉर्पोरेट लेवल का। तो अब क्या सिस्टम रहेगा? सीईओ अगर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चलिए जानते हैं उस व्यक्ति का नाम जो कि यहां पर इस लेवल पर फाइनेंस का मैनेजर रहेगा। इसका नाम होगा बेटा सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। अब बात समझ आई? सीएफओ कहां प्लेस होता है और वो किसका ध्यान रखेगा? Is that clear? Any questions? Finance वाला इसलिए लेती हूँ ताकि आप एकदम ही relate कर पाते हैं ना। अब आप मुझे बताओ, यहां से जो हम यहां पहुंचे हैं, ये चीज समझ में आ गई? तो इसका मतलब मैंने क्या किया, corporate level पे functional departments और create कर दिए। ये आपका थोड़ा सा बदलाव आया, छोटे से लेके बड़े में ये बदलाव आया। क्या ये बदलाव रहता है? यही रियल स्ट्रक्चर है बेटा, यही रियल डिविजनल स्ट्रक्चर है। आज आपकी आंखें खुल गई? से थैंक यू टू मी। आओ जरा डायग्राम देखें। ये देखो,
अब जो डायग्राम आप पहले बनाया करते थे वो डायग्राम अगर आपने बनाया तो वो छोटे वाले बच्चे बनाते हैं, ये डायग्राम कौन बनाएगा? हम बनाएंगे। ये क्या है बेटा? ये क्या है बेटा? ये क्या है बेटा? अब बात समझ आई? आपको मैं बता देती हूँ कि बिजनेस मैनेजर्स को बिजनेस मैनेजर्स कहते हैं, डिविजनल मैनेजर्स कहते हैं और जनरल मैनेजर्स भी कहते हैं। जनरल क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये किसी फंक्शन को रेट नहीं करते ना, ये जनरली सारे फंक्शंस के ऊपर काम करते हैं, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी। उसका नाम क्या होता है? जनरल मैनेजर। सो व्हेनेवर यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब, लेट्स सपोज द जॉब इज मैनेजर फाइनेंस, so that would be a functional level functional level ka post. If the question is general manager, business level ki post hai. If it is like corporate level, so corporate level ka post hoga. tab aap dekho aapko kahan jana hai, samajh rahe ho? naukri pe apply karte waqt na ye jo words hai na, general, corporate, ya fir word aa gaya cfo, chief word aa gaya, isse na determine kar paoge किस लेवल के स्ट्रक्चर्स हैं, ओके? तो डिविजन स्ट्रक्चर ये वाला बना क्या होगा एग्जाम के अंदर, ठीक है? डन है? पीछे उमंग तू तो हेयर कट लेके आ गया ना, हेयर कट लिया तूने संडे को ना? मुझे पता था, मतलब जो मैं करूंगी इसने करने करना है। डिविजन स्ट्रक्चर क्या था? आइए सेकंड लाइन पे चलते हैं। क्या लिखा है सेकेंड लाइन? ये लाइन जब तक मैं आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझाती ये लाइन आपको ओके नहीं लगती। एमसीक्यू बताओ, फंक्शनल एक्टिविटीज इन द केस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर, क्या ये सिर्फ फंक्शनल लेवल पर परफॉर्म की जाती है? द आंसर इज नो, दिस आर बी परफॉर्म बोथ लेवल, सेंट्रली दैट मीन्स कॉर्पोरेट लेवल पर भी और डन। चलो तो ये था हमारा सेकेंड थिंग विच इज टू बी डन इन द केस ऑफ द डिविजनल स्ट्रक्चर। अब आगे चलते हैं। अब देखो बेटा, आगे चलने पर टॉप रोल, एडवांटेज और डिसएडवांटेज पहले करते हैं, वो एक वर्ड हम पहले छोड़ देते हैं। टॉप रोल यानी कि यहाँ पर टॉप मैनेजमेंट का क्या रोल होता है, ठीक है? तो बताओ टॉप मैनेजमेंट का क्या रोल होगा? टॉप पे बैठा है ना, तो क्या बनाएगा? कॉर्पोरेट लेवल की स्ट्रेटेजी। यानी कि ये जो एरिया है ये क्या बनाएगा? कॉर्पोरेट लेवल की स्ट्रेटजी। मतलब अगर ये हमें नहीं बताता तो हमें तो पता ही था, है ना? समझे मेरी बात? चलो नेक्स्ट, मैनेजिंग द सेमी ऑटोनॉमस डिविजन्स थ्रू स्ट्रेटजिक एंड फाइनेंशियल कंट्रोल्स। आइए जरा बात करते हैं यहां पर इस डायग्राम की। यहां पर इस डायग्राम पे आप अपने नोट्स में भी देख सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ है कॉर्पोरेट मैनेजमेंट एक्सरसाइजिंग स्ट्रेटेजिक एंड फाइनेंशियल कंट्रोल्स ओवर द डिविजनल मैनेजर्स। जो हमने अभी पढ़ा वो प्लस जो अभी हमने पढ़ा ये दो बातों को समझते हैं वाया एन एग्जाम्पल। ध्यान से सुनना, माता पिता बच्चे बड़े हो गए, बच्चे बड़े हो गए, जब बच्चे बड़े हो गए, बच्चे बड़े हो गए, बच्चों ने शादी तक कर ली, साथ में एक और आ गए, पार्टनर आ गया। अब बच्चे बड़े हो गए, बच्चों ने शादी तक कर लिया, तो क्या हम उनको इंडिपेंडेंस देंगे? देंगे, बट क्या इतनी इंडिपेंडेंस दे दे, इतनी इंडिपेंडेंस दे दे कि वो हाथ से निकल जाए? नहीं। यानी कि देयर हैज टू बी सम सॉर्ट ऑफ कंट्रोल्स जो कि अभी भी टॉप मैनेजमेंट के हाथ में रहने वाला है। द वेरी फर्स्ट कंट्रोल इज द फाइनेंशियल कंट्रोल। शादी के बाद लड़का अभी भी अपनी मम्मी के हाथ में सैलरी रखता है, दैट इज व्हाट द बेस्ट एग्जांपल फॉर द फाइनेंशियल कंट्रोल। या फिर अपने पापा के अकॉर्डिंग खर्च करता है, या फिर अकाउंटेबिलिटी रखता है, कहीं पर भी इंडिपेंडेंस फुल नहीं है। इंडिपेंडेंस फुल कहां पर होगी? जहां पर बेटा कमाए और बाप पूछे भी नहीं,
या अकाउंटेबिलिटी बेटा की क्या हो बेटा, जीरो हो, बट डिविजन किसका है, माता पिता का, तो अकाउंटेबल तो रहना ही पड़ेगा। सो यहां पर एक इंडिपेंडेंस है, इस इंडिपेंडेंस को क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनॉमस। सेमी मतलब हाफ और ऑटोनॉमी मतलब फ्रीडम, यानी कि आपके पास क्या है, हाफ फ्रीडम है। तो क्या कौन सी फ्रीडम छीन रखी है, एक फ्रीडम तो छीन रखी है फाइनेंस की। बात समझ आई, यानी कि अभी भी अगर आप कहो कि भैया हमें जो है BMW लेके आनी है, तो मम्मी सबसे पहले बोलेगी बेटा पार्किंग की जगह है हमारे पास नहीं ना, पहले ना अपना घर बना ले, BMW बाद में लेके आई हो। मम्मी फिर भी कंट्रोल कर रही है, पापा फिर भी कंट्रोल कर रहे हैं, दैट इज व्हाट द फाइनेंशियल कंट्रोल इज। ऐसे तो नहीं है ना कि आप BMW लाके खड़ी कर दो घर में, कर दो खड़ी लाके घर में, फिर देखना क्या होने वाला है, कभी भी नहीं कर पाओगे, हम आज तक नहीं कर पाए हैं। चलो आगे चले, अब एक कंट्रोल और है इनके हाथ में, वो कौन सा कंट्रोल है, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल देखो सुनो, कॉरपोरेट लेवल आपने अभी अभी पढ़ा, टॉप मैनेजमेंट का क्या रोल था, ओवरऑल कॉरपोरेट स्ट्रेटजी ये बनाएगा, कौन बनाएगा, कॉरपोरेट लेवल। अब बात करते हैं बिजनेस लेवल की, अब बिजनेस लेवल की जो स्ट्रेटजीज हैं वो बिजनेस लेवल ही बनाएगा, बट आपको क्या लगता है बिजनेस लेवल या जो डिविजन्स हैं वो जो स्ट्रेटजी बनाएंगे वो मम्मी पापा के अगेंस्ट जा सकती है क्या, मम्मी पापा का सपना है हम अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे, तो वो बच्चा कॉमर्स ले लेगा क्या, समझ रहे हो। सो दैट इज व्हाट द पॉइंट इज, आपके पास इंडिपेंडेंस सेमी थी ना, सेमी का मतलब क्या है, या तो पटा लो माँ बाप को, समझ रहे हो, या फिर उनको ये बोलो कि चलो ठीक है आप एक पॉइंट पे पहुंचे, चलो 11th 12th में अपन साइंस ले लेते हैं, फिर 12th के बाद सोचेंगे कि डॉक्टर बनना है कि नहीं बनना है, फिर वरना तो कॉमर्स खुला ही है, समझ रहे हो। सो जो ऑटोनॉमी है वो कैसी है, सेमी है, बट एक बात तो समझ में आ गई, अगेंस्ट आप नहीं जा सकते, डिविजन हो ना आप उसके अगेंस्ट कभी भी नहीं जा सकते। मेरी स्ट्रेटजी सुनना, मेरी स्ट्रेटजी, मैंने मेरे बिजनेस को चलाने के लिए बोला कि मैं तो अपने बिजनेस को कॉस्ट लीडरशिप पे चलाऊंगी, सस्ते पे माल दूंगी, मैं मेरे बिजनेस को कॉस्ट लीडरशिप पे चलाऊंगी, सस्ते पे माल दूंगी। और बेटा मैं पूरे कॉर्पोरेट लेवल की अगर बात करूं, बेटा मैं तो एरोप्लेन बनाती हूँ मंत्रियों के लिए, जा सकती हो अगेंस्ट में, नहीं जा सकती, बात समझ आया। सो द पॉइंट इज डिविजन स्ट्रक्चर में, इसीलिए आपको चीज समझनी पड़ेगी, क्या समझना पड़ेगा कि भैया हमारे को यहाँ क्या मिलता है, सेमी ऑटोनॉमस डिविजन्स मिलते हैं, यानी कि अभी भी दो कंट्रोल्स हैं, कौन कौन से, एग्जाम में याद करने के टेक्निक बता रही हूँ, न्यू सिलेबस के अंदर हमारे पास जो सब्जेक्ट आता है वो आता है FM और SM, यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये दो कंट्रोल्स, FM फाइनेंस का कंट्रोल और SM स्ट्रेटेजिक कंट्रोल्स, ये दो कंट्रोल किसके हाथ में रहेंगे बेटा, इसीलिए किसकी कैटेगरी में लिखा हुआ है, बाकी तुम जो करना है करो, तुम्हारे को बिजनेस जैसे चलाना है वैसे चलाओ, बिजनेस के जो डिसीजंस है सब तुम लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, डे टू डे की लाइफ है, तोरी खानी लौकी खानी तुम डिसाइड करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तोरी लौकी के नाम से परेशान हो गया लड़का, किस किस को वैसे तोरी लौकी पसंद नहीं है, कहां से आते हैं ये लोग, आई तो लव तोरी, आई लव लौकी, आई लव करेला, आई लव टिंडे, टिंडे ओ माय गॉड, मतलब मर जाऊं टिंडों के लिए, ओ वाओ। चले आगे, एडवांटेज और डिसएडवांटेज खुद से एक बार रीड कर लो, कोई डाउट है पूछ लो। स्ट्रक्चर कॉस्टली क्यों है, चलो
चलो बहुत बढ़िया, तुम तो इंटेलिजेंट बन चुके हो। अब देखो यहाँ पर ना सिर्फ हेडिंग्स देके रखी है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना वो चैप्टर के, तो वहां पर आपको हेडिंग्स के साथ कंटेंट भी मिल जाएगा और फिर आप एग्जाम में लिख सकते हो। बट लर्न करने के प्रस्पेक्टिव से ये नोट्स आर सफिशिएंट। अब इसका एक्सप्लेनेशन को आप देख सकते हो फ्रॉम द आंसर्स एंड देन यू कैन राइट इन द एग्जामिनेशंस। चले ओके, अब एक चीज आगे बढ़ने से पहले ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। अब देखो बेटा, कहाँ गया वो स्ट्रक्चर, ये रहा, मिल गया। चाहे ये स्ट्रक्चर हो चाहे ये स्ट्रक्चर हो, ठीक है। अब जो मैं करने जा रही हूं ना, मात्र मेरे करने से आप समझ जाएंगे। करूं क्या, देखो बताओ, मैंने सर तुम बताओ क्या समझे। बहुत बढ़िया, बच्चों के बच्चे हो गए, बस बच्चों के बच्चे हो गए ना, क्या बोलेंगे इसको, मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर। जब डिविजन बना हो तो डिविजनल स्ट्रक्चर, जब बच्चों के बच्चे कर दो तो, बात समझ आई। मैं आपसे पूछू क्वेश्चन, जो ये ऐसा ये बच्चों के जो बच्चे हुए हैं ना, ये किसको अकाउंटेबल होंगे, नाम बताओ। एग्जाम में क्वेश्चन आता है एमसीक्यू का, बताओ। मैंने जितने आसान तरीके से आपको बताया ना, उतना आसान तरीके से यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, इतना आसान है। दिस इज लाइक द सिंपलेस्ट फॉर्म जो मैं आपको समझा सकती थी। चले आगे, एक बात आगे जाने से पहले, हमारे इंडियन कल्चर के अंदर आज भी है ये चीज कि जब बच्चे होते हैं ना तो वो अपनी मम्मी पापा की ज्यादा सुनते हैं, जब बच्चों के बच्चे जाते हैं थोड़ा सा हम उनको छूट देना चालू कर देते हैं, है ना। तो जो ग्रैंड यू नो डॉटर या ग्रैंड सन होते हैं, उनको कहते हैं ना ग्रैंड पेरेंट्स, बड़ा बिगाड़ के रखते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना कि एम फॉर्म स्ट्रक्चर में ना जो कंट्रोल्स होते हैं ना, थोड़े से ना कॉर्पोरेट लेवल ही थोड़ा लेजी या यूं कह लेते थोड़ा सा खुल जाता है कि चलो कोई बात नहीं। तो वेन एवर कुछ कुछ भी सब डिविजन मांगेगा ना, तो कॉर्पोरेट लेवल उसकी बात सुन सुना के थोड़ा सा अपने कंट्रोल्स को कम कर देता है। तो ये ध्यान रख सकते हो फॉर द फ्यूचर, एग्जाम के लिए नहीं, फॉर द फ्यूचर, ठीक है। चले आगे, ओके। सो हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स टोटल, हाउ मेनी वी आर डन, आइए लास्ट स्ट्रक्चर इज SBU। SBU स्ट्रक्चर करने से पहले ये जानते हैं कि SBU क्या होता है। SBU वो होता है जिसकी स्ट्रैटेजी अपनी होती है, उसके अपने कॉम्पिटिटर्स होते हैं, लिखना है, उसके अपने कॉम्पिटिटर्स होते हैं, उसके अपने मैनेजर्स होते हैं, और बी स्टैंड फॉर बिजनेस। यानी कि
यानी कि ऐसा बिजनेस जिसकी अपनी स्ट्रेटजी, जिसके उसके अपने कॉम्पिटिटर्स और अपने मैनेजर्स। मुझसे पूछ भव्या, मुझे बता, उसके अपने कॉम्पिटिटर्स, उसके अपने मैनेजर्स। अब एक बात मुझे बताओ, अगर मेरे परिवार में 5 बच्चे हैं तो जरूरी है कि पांचों के पांचों बच्चे कॉमर्स में आके पढ़े? हो सकता है एक बच्चा साइंटिस्ट बन जाए, हो सकता है, पर अगर हम उसको थोपे, नहीं हमारे तो कॉमर्स ही लेते हैं भैया, अच्छा लगेगा, क्या बोलेगा वो बच्चा? मेरी अपनी स्ट्रेटजी है, मेरे को तुम जैसा नहीं बनना है, मेरे को ये बनने का है, मेरी अपनी स्ट्रेटजी है जो तुमसे अलग हो भी सकती है, अलग नहीं भी हो सकती है, बट मेरी अपनी स्ट्रेटजी है। और मैं साइंस साइड ले रहा हूं, मेरे अपने कॉम्पिटिटर्स हो और तुम कॉमर्स वाले मेरे कॉम्पिटिटर्स नहीं हो, और इसीलिए मेरे अपने क्या होंगे, मैनेजर्स होंगे, यानी कि एक ऐसा यूनिट जिसमें ये तीनों क्वालिटीज मिले। ये कह रहा है कि मेरी स्ट्रेटजी दूसरों से क्या है, अलग है, ये इसके अपने अलग सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स हैं, और इसीलिए इसको चलाने के लिए अलग से एक मैनेजर चाहिए होगा। यहां तक आपको बात समझ आई? एसबीयू समझ आया? मैंने आपको भी स्ट्रक्चर नहीं बताया, मैंने आपको भी ये बताया एसबीयू क्या होता है। तो एसबीयू का मतलब स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, यानी कि वो हिस्सा जो कि, यूनिट का मतलब होता है पूरे के पूरे कंपनी का वो हिस्सा जो कि दूसरों से अलग स्ट्रेटजाइज कर सकता है। मैम ये हिम्मत, ये देखते हैं स्ट्रक्चर फॉर्म में, स्ट्रक्चर फॉर्म में ये देखिए, ये तो बेटा आपका हो गया कॉर्पोरेट लेवल, ये नीचे डिविजनल लेवल, एसबीयू कहां पर आया, यहां पर आया, ठीक है, क्या हुआ? अब ध्यान से सुनना मेरी बात, हमारे 5 बच्चे थे, 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5, चलो 6 कर लेते एग्जाम्पल्स के लिए, 3 कॉमर्स वाले, 2 साइंस वाले और 1 आर्ट्स वाला भी, ठीक है। अब बताओ आपको लगता कि कॉमर्स वालों की सबकी एक ही स्ट्रेटजी होगी, कॉमर्स वालों के अपने कॉम्पिटिटर्स होंगे और कॉमर्स वालों के ऊपर एक मैनेजर बढ़ाते हैं, यानी कि एक ट्यूशन टीचर कॉमर्स वालों के लिए बढ़ाते हैं, साइंस वालों के लिए उनकी अपनी स्ट्रेटजी क्रैक करने की, उन्हें आईआईटी क्रैक करना है, उसके ऊपर एक मैनेजर बढ़ा देते हैं और आर्ट्स वाले के ऊपर बढ़ा देते हैं, क्या कहते हो? तो जब ये क्या थे, मेरे अभी तक डिविजन्स थे, इन डिविजन्स को मैंने क्या कर दिया, एक कर दिया, और इनके ऊपर क्या बिठा दिया, एक एसबीयू मैनेजर बिठा दिया। ये एसबीयू मैनेजर किसको मैनेज करेगा, दोनों साइंस डिविजन को मैनेज करेगा। बात समझ में आई? बोलो हाँ कि ना। तो एसबीयू कब बनता है, ध्यान रखना, एसबीयू तब बनता है जब तीनों की तीन चीज फुलफिल होगी, आपकी अलग स्ट्रेटजी दूसरों से अलग, जो कॉमर्स वालों की स्ट्रेटजी होगी उससे अलग होगी ना साइंस वालों की, उनसे अलग स्ट्रेटजी, उनके अपने कॉम्पिटिटर्स और उनके अपने फिर अलग मैनेजर्स। बात समझ में आई? यस और नो? मैं मेरी एफएमसीजी कंपनी है, एफएमसीजी समझते हो, अब बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं एफएमसीजी के अंदर, एन नंबर प्रोडक्ट्स हैं, बट मुझे लगता है कि प्रोडक्ट ए, बी और सी, इन तीनों को बेसिकली सेम सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स हैं, तो मैं क्या करूंगी, इसके ऊपर एक मैनेजर बिठा दूंगी, भैया तू ये संभाल ले, और ये क्या बन जाएगा, एसबीयू, क्या बन जाएगा, एसबीओ। क्या आपको एसबीओ स्ट्रक्चर समझ में आया? यहां तक कोई डाउट है? अब मैं आपके माइंड में डाउट क्रिएट करती हूँ, क्यों क्रिएट करना है, क्योंकि वो डाउट एग्जाम में नहीं रहना चाहिए। जब आप मान के चलो डिविजनल मल्टी डिविजनल तो सेम ही है ना, बस बच्चे ही तो हुए, आप देखो डिविजनल में
और एसबीओ में क्या डिफरेंस है, या मल्टी डिविजनल में और एसबीओ में क्या डिफरेंस है? सेम हो सकते हैं, और यहां पे स्ट्रेटजी डिफरेंट होगी ही होगी, समझ रहे हो? ये देखो यहां पर ये इन दोनों की सेम स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अगर इनकी स्ट्रेटजी डिफरेंट है तो फिर ये एसबीओ स्ट्रक्चर नहीं है, तो ये एसबीओ मैनेजर नहीं है। बात समझ आई? यस और नो? मैंने कहा इस स्ट्रक्चर थोड़ा सा साफ बनाती हूं। मेरा डिवीजन था ए, और उस डिवीजन में मैं जो हूं बनाती थी कपड़े, तो कपड़ों का डिवीजन कुछ इस प्रकार से था, जेंट्स, लेडीज, वेरी गुड, किड्स, और मैंने कहा अदर्स। अदर्स में मैं क्या बनाती हूँ, कर्टेन बनाती हूँ, बेडशीट बनाती हूँ, ये ठीक है। अब आप मुझे बताओ ये वर्सेस ये सेम स्ट्रेटजी हो सकता है? मतलब किड्स के कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग का स्ट्रेटजी और इसका सेम स्ट्रेटजी हो सकता है क्या? बट नहीं। बट अगर मान लो मैं क्या करूं, मान लो मैं ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाऊं जहां पर मैंने कहा किड्स का जूता और किड्स के कपड़े मिला दिया साथ में, किड्स का जूता लेके आए यहां से और किड्स के कपड़े लिए हमने यहां से, और उनके ऊपर बिठा दिया एक एसबीयू। अब काम समझ में आता है, किड्स सेक्शन में एक स्ट्रेटजी चल जाएगी, किड्स सेक्शन का अपना कॉम्पिटिटर है और किड्स सेक्शन का अपना एक मैनेजर है। तो डिफरेंस समझ में आया कि आपको किसके बेस पे डिफरेंशिएट करना है? स्ट्रैटेजी के बेस पे डिफरेंशिएट करना है। आप समझो स्ट्रैटेजी को ही हमेशा देखो। क्लियर हुआ? जब भी एसबीयू स्ट्रक्चर अप्लाई होगा क्या वर्ड्स देगा, हिंट बताती हूं। एसबीयू स्ट्रैटेजी वर्ड होगा, बिजनेस वर्ड होगा, यूनिट वर्ड होगा यूनिट, मल्टी डिविजनल डिविजनल डिविजन वर्ड होगा, समझ रहे हो? डिविजन, यहां पर आपको साफ साफ वो यूनिट वर्ड बोलेगा, यूनिट, और ये भी बता देगा उसके अपने अलग कॉम्पिटिटर्स बताएगा, और तभी ये एसबीयू लगेगा। अगर उसने एक बार भी कुछ नहीं बोला, उसने कॉम्पिटिटर के बारे में कुछ नहीं बोला, उसने मैनेजर के बारे में कुछ नहीं बोला, स्ट्रेटजी के बारे में कुछ नहीं बोला, बट उसने फिर भी डिविजन्स बना दिए और फिर भी एक वर्ड यूज किया यूनिट, तो क्या लगेगा? नहीं लगेगा। तब नहीं लगेगा, खाली यूनिट वर्ड तो जो है वो सिनोनिम भी हो सकता है ना डिविजन का, पर यहां पर बाकी तो शब्द कुछ नहीं आया, ना स्ट्रेटजी वर्ड आया, ना ही क्या बोलते हैं कॉम्पिटिटर वर्ड आया, ना उसके अपने मैनेजर्स वर्ड आया, तो फिर तब नहीं लगेगा। तब हम डिविजन का सिनोनिम मान के यूनिट पे फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि उसका सिनोनिम है ना इंग्लिश के हिसाब से। अब बात समझ आई? बोलो हाँ कि ना। अच्छे अच्छे बच्चों को एसबीयू और मल्टी डिविजनल में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, ध्यान रखना, स्ट्रेटजी इज द मेन पॉइंट। आपको एक और बात बताती हूँ, क्वेश्चन बताती हूँ। जो बेटा ये एसबीयू मैनेजर है ना, बेटा ये जो एसबीयू मैनेजर है ना, मैंने कहा ना कि इसकी स्ट्रेटजी अलग होती है, तो इसकी स्ट्रेटजी बी से भी अलग होगी, सी से भी अलग होगी, इवन एट टाइम्स कॉर्पोरेट लेवल से भी अलग चली जाती है एट टाइम्स। क्योंकि देखो समझो कि हो सकता है ना कि उसके अपने सपने अलग जा रहे हो, वो अपना अलग विजन लेके चल रहा हो, और इसीलिए हम एसबीयू स्ट्रक्चर में वी गिव मोर ऑफ दी ऑटोनॉमी, फ्रीडम किसमें ज्यादा होती है, डिविजनल में या एसबीयू में? एसबीयू में। एसबीयू को क्या बोला, अब ये वो बच्चा है जो अकाउंटेबल नहीं है, ये वो बच्चा है जहां पर एसएफएम और एसएम में स्ट्रेटजिक कंट्रोल छोड़ दिया, अपने पास अपनी स्ट्रेटजी बनाओ, जो सबसे लगे सब कुछ सही सही करो, बस ध्यान रखना हमारी इमेज स्पॉइल नहीं होनी चाहिए बेटा,
माँ बाप की इमेज को खतरा नहीं होना चाहिए। अगर तुम थोड़ा सा डेविएट भी हो रहे हो हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर से भी, स्ट्रेटजी से भी, कोई बात नहीं, डेविएट हो जाओ तो स्ट्रेटजी कंट्रोल हम एसबीयू के अंदर फॉरवर्ड कर देते हैं, बट फाइनेंशियल कंट्रोल अभी भी ऊपर वालों के हाथ में है कि चल भाई फाइनेंशियल तो हमारे हाथ में रहना चाहिए, बगैर कंपनी के रिसोर्सेस क्या है, लिमिटेड इन नेचर है, इसीलिए फाइनेंशियल कंट्रोल अभी भी रखा हुआ है, वो भी सेमी ऑटोनोमस रहता है, एसबी जितना मांगता है उसको मिल जाता है। अब बात समझ आई? तो डिविजनल में और एसबी में कितना फर्क हो गया, स्ट्रेटजी का फर्क हो गया, इवन ऑटोनॉमी का फर्क हो गया। एग्जाम में आता है फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटजी कंट्रोल लाइज विद द कॉर्पोरेट लेवल, बताओ कौन सा स्ट्रक्चर, डिविजनल। अगर मैं बोलूं फाइनेंशियल और स्ट्रेटजिक में से, उसने क्या बोला, वी आर हैविंग सेमी ऑटोनॉमस कंट्रोल whereby the company has given independence with respect to the strategy, SBU. बात समझ आई? ये वही बच्चा पकड़ सकता है जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब मैं आपको बताती हूँ, पूरे YouTube पे देख लेना डिफरेंस बिटवीन डिविजनल मल्टी डिविजनल वर्सेज SBU, मिलेगा ही नहीं आपको, वीडियो ही नहीं है, वीडियो ही नहीं है YouTube पे इस टॉपिक के ऊपर। अब क्यों वीडियो नहीं है, क्योंकि हम मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट पे बहुत सारे अलग फिलोसोफर्स होते हैं, उनके बहुत सारे रीजंस होते हैं अलग अलग, तो यहाँ पर जो रीजन मैंने आपको पढ़ाया, मैंने भी 7 किताब पढ़ी है, 7 बुक्स से मैंने पढ़ा और क्रिस्प बना के आपको बता दिया, तो मैंने 7 लोगों की बातें मिक्स करी है, तो एक जगह से नहीं हो सकता। ओके, आपको एसबीयू क्लियर हो गया, तो वर्ड स्ट्रेटजी आया, वर्ड आया कंट्रोल, कंट्रोल वर्ड आया, कंट्रोल फाइनेंशियल कंट्रोल और स्ट्रेटजी कंट्रोल में, स्ट्रेटजी कंट्रोल हमने पास ऑन कर दिया, कॉम्पिटिटर्स उसके अपने हो गए, मैनेजर उसके अपने अलग हो गए, तो ये क्या बन गया आपका एसबीयू। देखो बनेगा वही, बनेगा तो डिविजन ही, बट अगर उस सबकी डिविजन की स्ट्रेटजी क्या है सेम, तो वो क्या है एसबीयू। जैसे मान लो अब वो छोटे बच्चे नहीं होते थे, उसमें कहते थे सारे जितने तीसरी चौथी पांचवी कक्षा के बच्चे हैं वो एक तरफ यही साथ में बैठ के पढ़ लेंगे, फिर सातवीं आठवीं नौवीं वाले वो एक तरफ पढ़ेंगे, क्योंकि उनका स्ट्रेटजी अलग है पढ़ाने का। जिनके बोर्ड्स हैं दसवीं और बारहवीं वाले बच्चों के लिए अलग स्ट्रेटजी। क्लियर हो गया? मुस्कान, कोई डाउट है बेटा मुझसे पूछ ले। ओके, तो यहां पर हमने क्या किया, बेफजूल में एक लेयर और क्रिएट कर दी। कौन सी लेयर थी वो? एसबीयू ग्रुप्स बनाने की। हाँ, नेस्ले कंपनी है, यस, क्योंकि सबकी स्ट्रेटजी अलग है। अब तेरे को आंसर मिल गया, सबकी स्ट्रेटजी अलग है। मैं चाहती थी कि इसका आंसर मैं ना देके तो खुद दे। इसने मुझसे भी क्वेश्चन पूछा था बिफोर हम लोगों ने स्ट्रक्चर करे कि मैम बताओ कौन सा स्ट्रक्चर लगेगा, तो मैंने कहा मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊं तुझे खुद मालूम पड़ेगा कि इसमें कौन सा स्ट्रक्चर लगेगा, नाउ ही कैन आंसर इट वेरी वेल फ्रॉम हिज साइड ओनली। तो मैं ना यही चाहती हूँ कि मेरे पढ़ाने के बाद में आप इतने अव्वल हो जाए कि आप ही आंसर देखें, स्ट्रेटजी कौन सी लगेगी आपको पता होनी चाहिए, स्ट्रक्चर कौन सा लगेगा वो आपको बताना चाहिए, देखते ही आंसर। क्वेश्चन आंसर मैं नहीं करा रही, क्यों नहीं करा रही, आप पहले घर जाओ और सारे स्ट्रक्चर्स खुद डिटरमाइन करके देखो, और मैं ये कहूंगी कि जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना हाथ रख देना आंसर के ऊपर, सिर्फ इतना डिटरमाइन करना कि स्ट्रक्चर कौन सा लगेगा, सिर्फ इतना डिटरमाइन करना एंड देखना कि आपके कितने परसेंट आंसर सही है, तभी मालूम पड़ेगा ना कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि नहीं हुए। हाईएस्ट एसबी स्ट्रक्चर में 3 लेवल्स, एडवांटेजेस, एडवांटेजेस बेटा एसबीयू कैन रिएक्ट मोर क्विकली, क्यों, क्योंकि सबकी स्ट्रेटजी क्या है सेम है, फटाक चेंज कर दो, समझ आया? ओके, इंडिविजुअल एसबीयू आर ट्रेडेड एज प्रॉफिट सेंटर्स, समझना प्रॉफिट सेंटर क्या होता है, प्रॉफिट सेंटर का मतलब होता है जहां से प्रॉफिट निकल रहा है, तो हर एक एसबीयू को बोलते हैं हर एक प्रॉफिट सेंटर हो गया, यहां से प्रॉफिट निकल रहा है, यहां से भी प्रॉफिट निकल रहा है, और डिविजन में जहां सिमिलर प्रोडक्ट्स होते हैं और इनको यूज करने वाली सिमिलर टेक्नोलॉजीज होती हैं, उनको ही हम क्या करते हैं साथ में ले आते हैं, और क्या मिल जाती है हमें, सिनर्जी बेनिफिट। सिनर्जी वर्ड कहां पढ़ा था हमने,
चैप्टर नंबर 4 स्ट्रेटेजिक अलायंस ESOPs सिनर्जिक बेनिफिट्स ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट्स एक और एक 11 डन डिसएडवांटेज कॉस्टली इनकंसिस्टेंसी ऑफ गोल्स एक इस डायरेक्शन में जा रहा है तो एक उस डायरेक्शन में जा रहा है और डिफिकल्ट डिफाइन द रोल ऑफ द मैनेजर्स क्यों बेटा कभी कभी देखो क्या होता है डिविजनल मैनेजर जो होता है ना वर्सेस एसबीयू मैनेजर हो जाता है तू क्या करेगा और मैं क्या करूंगा क्या हुआ मुझसे पूछना यस तो बेसिकली पूरे एसबीयू की एक स्ट्रेटजी हुई ना अगर ये एक एसबीयू है दिस एसबीयू नंबर 1 इसके डिविजन डिविजन ए डिविजन बी डिविजन सी तो ये तीनों की डिविजन की सेम स्ट्रेटजी होगी एसबीयू नंबर 2 की स्ट्रेटजी अलग मैनेजर अलग कॉम्पिटिटर्स भी अलग क्लियर हो गया अब मैं आपको बताती हूँ जैसे कंपनीज होती है ना एसबीयू वाली कंपनीज होती हैं उसमें आप एक सोनी का एग्जांपल लिख सकते हैं नेस्ले का एग्जांपल लिख सकते हैं एक कंपनी में दिमाग में भी आई थी वो डाउट में चली गई याद आएगा बताऊंगी तो सोनी का एग्जांपल आपके बुक में भी है तो सोनी ने क्या किया अपने 10 डिविजन्स को ना 4 एसबीयू में कन्वर्ट कर दिया समझ रहे हो 3-4 डिविजन मिला के एक एसबीयू बना दिया फिर 3-4 डिविजन मिला के एक एसबीयू बना दिया ऐसे ऐसे करके एक एसबीयू बना दिया तो याद रखना एस से एसबीयू एस से सोनी कंपनी ठीक है और ये आपके स्टडी मैट का एग्जाम्पल है तो इस एग्जाम्पल क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकता है कि ऐसी करके कंपनी है उसने 10 कंपनीज को 10 डिवीजन को 4 में कन्वर्ट कर दिया उस कंपनी का नाम सोनी कंपनी है बताओ कौन सा स्ट्रक्चर उसने लगाया ब्ला 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 ठीक है सो वी आर डन विद द स्ट्रक्चर ऑल्सो एनी डाउट इन एनी ऑफ द स्ट्रक्चर्स कोई दिक्कत है चैप्टर फिनिश गिविंग यू 5 मिनट्स एक बारी रीड कर लो ऊपर ऊपर से रीडिंग लगा लो कोई डाउट अगर मन में आता है तो क्लियर कर लो ऐसा एग्जाम में नहीं होता कि कोई एक स्ट्रक्चर आएगा ही आएगा ठीक है ना ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई एक स्ट्रक्चर आए आए चैप्टर ए भी है पार्ट बी भी है तो लीडरशिप से भी क्वेश्चन आ सकता है तो पहले 7B करेंगे फिर 7A करेंगे 7A में जो मार्क कराए हैं ये दो स्ट्रक्चर मैट्रिक्स आवरग्लास पहले दो करेंगे उसके बाद बाकी करेंगे आपने घर जाना है स्टडी मैट के क्वेश्चंस देखने हैं और आंसर्स के ऊपर ऐसे हाथ रख लेना है और डिटरमाइन करना कि स्ट्रक्चर कौन सा है बस इतना काम करना है आपने जहां आप गलत हुए फिर आप आंसर पढ़ो और देखो कि आंसर पढ़ के आपको समझ में आया कि कहां गलती हुई आपसे अगर आपको समझ में आ गया गुड नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछो कि मैम हमारे हिसाब से ये स्ट्रक्चर लगना चाहिए था पर इसने तो ये लगा दिया बताओ कितनी गलत बात करी इसने हो सकता है कहीं पर ऐसे ही गलत हो ठीक है चलो